थोड़ा सेंटर में कर लो आप। हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज गिनी अनेजा एंड वेलकम टू दिस चैनल ऑफ दुर्गा सत्या। लास्ट टाइम हम लोग एक वीडियो कर रहे थे पानी की समस्या को लेकर। विकास शर्मा जी हमारे साथ थे, वो और साथ में संजीव तिवारी जी थे, और ये लोग बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज और पानी की। और संजीव का नेट कनेक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से ये बात बीच में अधूरी रह गई थी। संजीव जी, आपका ना चेहरा एक साइड में है, थोड़ा सा सेंटर में कर लो उसे। ओके मैम, हाँ, अभी ठीक बेटर है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा मैम? नीचे। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। तो आप पिछली बार जो बातें बता रहे थे, दे वर प्रिटी इंटरेस्टिंग, और आप बता रहे थे कि कैसे ये पानी की समस्या सॉल्व हो सकती है और असली प्रॉब्लम जी क्या है, जैसे भूस्थल का जो पानी, आई डोंट नो हाउ यू कॉल इट इन हिंदी, बट जी गुड इवनिंग एवरीवन। सो वो जो पानी है उसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप ना पूरी शुरू से बताइए, क्योंकि वो बात बीच में अधूरी रह जाती है, तो अगली बार उसको कॉम्प्रेहेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वी वर तो सपोज टू ज्वाइन एट सिक्स बट मैं दे नॉट वाई दिस टाइम। यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है मैम? बिल्कुल हाँ, तो मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। सबसे जी, पहले जो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहां से हमने अपनी सारी बातें बतानी शुरू की थी। सबसे पहले जो बात हमको बताई जाती है कि जल की कमी है, जल की कमी है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जब भारत का जी एक तिहाई क्षेत्र जलमग्न हो जा रहा है, बाढ़ में जलमग्न हो जा रहा, बाढ़ की वजह से डूब जा रहा है। बाढ़ का अर्थ यहाँ पे किस चीज से? बाढ़ का अर्थ यहाँ पे किसी आपदा से नहीं है, बाढ़ का अर्थ यहाँ पे नदियों में अतिरिक्त वर्षा से है। बाढ़ को आप डिजास्टर ना समझे, सबसे पहले आप ये कंफर्म हो जाइए, बाढ़ इज नॉट अ डिजास्टर, बाढ़ कोई आपदा नहीं है। बाढ़ नदियों में जो अतिरिक्त जल है, जब वर्षा आती है, कोई भी छोटी हमारे देश में छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो, उसमें बाढ़ आना ही है। जब भी वर्षा ऋतु आएगी तो उसमें बाढ़ आएगा ही आएगा। नदियों में अतिरिक्त जल होगा, उसी का नाम बाढ़ है, बाढ़ और कुछ नहीं है। नदियों में अतिरिक्त जल, वो बाढ़ है। वर्षा के दौरान जो नदियों में अतिरिक्त जल हो जा रहा है, वो बाढ़ है। और उस अतिरिक्त जल की वजह से जो क्षेत्र डूब जाते हैं, उसको बाढ़ का प्रभाव माना जाता है। तो सबसे पहले हम ये स्पष्ट कर लें कि बाढ़ किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं है। पर एक अब बात मैं ये भी ये तो है ना, एक एक मिनट आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक बात ये भी तो है कि नदी के इतने करीब, पहली बात तो लोगों को रहना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल बैंक वो ऑफ द रिवर के ऊपर, बिल्कुल नदी के किनारे उन लोगों ने अपने घर व दुकान और शहर बसाए हुए हैं, तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि इसमें मैं ये बाढ़, स्पष्ट कर दूं मैं, एक मिनट, नदी में बाढ़ तो आनी ही आनी है, जिस बिल्कुल दिन भी पानी ज्यादा बरसेगा वो तो आएगी, ग्लेशियर्स बिल्कुल पिघलेंगे तो आएगी, तो फिर इतना बिल्कुल नदी के किनारे शहर बसाने का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लोगों का कोई दोष नहीं है, ये पूरी तरीके से सरकारों का और भूमाफियाओं का दोष है। ओके हाँ, इसमें बहुत बहुत बड़ा भूमाफिया काम कर रहा है, वो मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं। इसमें इस देश की कई नदियों को भूमाफियाओं ने प्लेन लैंड बना दिया, नदियों को भूमाफियाओं ने प्लेन लैंड तक बना दिया है। जी तो ये सामान्य सा विषय, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, उसको मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं। अभी हम मुख्य विषय पे आते हैं। मुख्य विषय ये है कि नदियों में जो अतिरिक्त जल है, नदियों में जो अतिरिक्त जल है, उसी को बाढ़ कहा जाता है, और बाढ़ कोई आपदा नहीं है। और उस बाढ़ की वजह से भारत का एक तिहाई क्षेत्र डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जल की कमी है। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जल की कमी है, दूसरी तरफ जल की वजह से आप एक तिहाई क्षेत्र डूब जा रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब मैं यहां पे जी क्या कह रहा हूं, अब मैंने यहां पे क्या कहा था
किसी व्यक्ति की सैलरी, महीने की सैलरी 1 लाख रुपये है, आपने उसको एडवांस में सैलरी दे दी और उसने अपनी सैलरी को 2-3 दिन में इन्वेस्ट कर दिया, तो बचे हुए 28-30-29 दिन वो क्या करेगा? तो दूसरों के हिस्से पे डाका डालेगा। ये स्वाभाविक सी बात है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप अपनी सैलरी को 2 दिन में ही कंज्यूम कर लेंगे तो बचे हुए 28 दिन आप डाका ही डालेंगे। तो जब हमने अपने हिस्से को समुद्र में बहा दिया, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो नदियों का अतिरिक्त जल है जिसको आप बाढ़ कह रही हैं, वो 400 करोड़ लीटर पर सेकंड की रफ्तार से समुद्र में चला जा रहा है, 400 करोड़ लीटर पर सेकंड। नदियों का अतिरिक्त जल कहां चला जाता है? समुद्र में चला जाता है, चाहे वो कोई सी भी नदी हो, चाहे वो दिल्ली की यमुना हो, महाराष्ट्र की वर्धा हो, बिहार की गंगा हो, कोसी हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई सी भी नदी हो, उसका जो अतिरिक्त जल है अंतोगत्वा कहां जाएगा? तो समुद्र में जाएगा। तो समुद्र में जाने का रेट क्या है? तो 400 करोड़ लीटर पर सेकंड। दूसरी बात मैं यहां पे ये कंफर्म कर दूं, जो नदियों का अतिरिक्त जल है वो वर्षा का ही जल है, और वर्षा का जल जो है, अगर पेयजल की बात की जाए, ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए, तो पूरे ये स्पष्ट चीज है कि सबसे अधिक शुद्ध जल जो है वो वर्षा का जल ही होता है। जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि वर्षा का जल एसिडिक हो चुका है, वर्षा के जल में एसिड मिल चुका है, ये केवल एक प्रोपेगेंडा है कि ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। जब तक हम सामने वाले को ये नहीं बताएंगे कि वो एसिडिक है, तो उसी के नाम पे एक्सट्रैक्शन चल रहा है ये, क्योंकि हम सामने वाले के दिमाग में ये फीडअप कर सकें कि जो वर्षा का जल है वो एसिडिक हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, उसके बाद ग्राउंड वाटर का दोहन शुरू होगा, भूजल का बलात् तरीके से फिर दोहन शुरू होगा। तो चलिए मैंने मान भी लिया कि एसिडिक हुआ हो, तो हम कभी भी कंपेरेटिव वे में देखते हैं ना, तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। आप एक ग्लास भूजल लीजिए और एक ग्लास वर्षा का जल लीजिए, और दोनों को लेबोरेटरी में, जो इन्हीं की लेबोरेटरी है, जो वेस्टर्न लेबोरेटरी है, उसी में आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 87 प्रकार के ऐसे मिनरल हैं भूजल में, ग्राउंड वाटर में, जो मनुष्यों के लिए जहरीले हैं। जो 2 दिन पहले जी गलती से वॉचमैन ने, जो बीएमसी से पानी आता है लेक्स में जो मुंबई में, तो वो पीने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो गलती से उसने क्या किया कि पानी की कमी होगी तो टैंकर मंगवाया होगा, क्या कहते यू नो वो जो ग्राउंड वाटर का, तो बॉम्बे में तो ज्यादातर वही यूज होता है बहुत जगह, वो उसने पीने की पानी की जगह डाल दिया जी। पानी पिया नहीं गया, नहाया नहीं गया, पूरे शरीर में खारिश होने लगी, और ऐसा नमकीन पानी था जैसे कि समुंदर से उठा के डाल दिया हो। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल, बिल्कुल। के फ्लश में, टैप्स में हम लोग पानी कभी पी के थोड़ी देखते हैं, सिर्फ किचन का पी के देखते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। इतना उसमें इतने सारे केमिकल्स होंगे, तब मैंने रियलाइज किया कि वो इस तरह का आ रहा है के फिल्टर से भी, किसी तरीके से भी वो साफ नहीं किया जा रहा। तो हाँ, मिनरल्स बहुत सारे हैं जो पॉजिटिव हैं, हेल्पफुल हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हार्मफुल। वो वृक्षों के लिए अमृत है, आप इसको ऐसे समझिए, मनुष्यों के लिए विष है वो, जो है वो वृक्षों का खाद्य पदार्थ है, वो उनका भोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों के लिए तो अमृत होता है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है? ग्राउंड वाटर में, हाँ, ग्राउंड वाटर में ऐसे मिनरल्स मिले हुए हैं जो वृक्षों, स्पेशली फॉर ट्रीज, स्पेशली फॉर प्लांट्स, हाँ, वो मनुष्यों के लिए नहीं है। टीडीएस की जो व्यवस्था है, टीडीएस ये टर्म आपने बार बार सुना होगा, टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो ये जो टीडीएस की व्यवस्था होती है ये केवल और केवल ग्राउंड वाटर के लिए होती है, ये कभी भी वर्षा के जल के लिए टीडीएस नहीं बना है। फिल्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है और जो फिल्टर इंडस्ट्री जो लगी हुई है लूटने में, ये फिल्टर इंडस्ट्री केवल और केवल ग्राउंड वाटर के लिए है। ओके, मतलब हाँ, मतलब आप समझिए कि पहले ग्राउंड वृक्षों का अधिकार छीनना, फिर उसको फिल्टर करना, फिर उस फिल्ट्रेशन के नाम पे एक इंडस्ट्री खड़ा करना,
ये कितना बड़ा एजेंडा चल रहा है। आप समझिए कि आप अपने लिए जहर निकाल के और उसको फिल्टर कर रहे हैं। ये कहीं से प्रैक्टिकल लग रहा है क्या कि जहर को हमने निकाला और फिर हमने उसको फिल्टर किया और अमृत को हमने फेंक दिया। जो अमृत है हमने उसको फेंक दिया और जहर को निकाल के फिल्टर किया और उस फिल्ट्रेशन के नाम पे पूरा पूरा कॉर्पोरेट लगा हुआ है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा नहीं है। ये बात मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका था कि जो घास होती है, ग्रास, ग्रास की जो जड़ें होती हैं वो 2 से 3 इंच की होती है, बहुत अधिक होती है तो 2 से 2.5-3 इंच, मैक्सिमम 3 इंच तक जाती है। 3 इंच से ज्यादा घास आपको दिखेगी नहीं, जो छोटी घास होगी। अब एक मेरी बात बताइए, अगर भूजल स्तर 40 फीट 50 फीट नीचे चला गया है तो घास पानी कैसे लेगा? घास के पास तो जड़े ही हैं, उसके पास कोई अदर सोर्स नहीं है जिसके थ्रू वो पानी ले सके। तो बात यहां पे क्या आ रही है? बात यहां पे यही आ रही है कि मनुष्यों का चल प्राणी, जो मैंने पहले भी बोला था, मूविंग जो है, जिसमें पशु आ जाते हैं और मनुष्य आ जाते हैं, एनिमल्स, हाँ, तो जो चल प्राणी है, चल प्राणी का भूजल पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भूजल को वही ले सकता है जो स्टेशनरी है, जिसको जड़ें मिली हैं, जड़ों के थ्रू लेगा। हमारे पास कोई जड़े तो हो नहीं, हम उसको मैकेनिकली उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। तो मैकेनिकली हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ये हमको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं का पूरी तरीके से गलत है। तो ये सारी बातें हैं, भूजल हमारा नहीं है। बारिश का पानी तो सबसे साफ होता है, बिल्कुल बिल्कुल सबसे ये साफ और पीने के लिए सबसे सही और ताजा, स्किन के लिए अच्छा होता है, पीने के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसको ठीक तरह से वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, जैसे पिछली बार विकास जी से बात हो रही थी, अगर उसका वाटर हार्वेस्टिंग ठीक तरह से किया जाए तो पानी की तो कमी कभी होगी नहीं। तो फिर मुझे आप ये बताइए, इतने सालों से अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को भी जरूर पता होगा, समझते होंगे, उनके पास इतने इंजीनियर्स हैं, जी जी इंजीनियर्स हैं, इरिगेशन एक्सपर्ट्स हैं, सब लोग हैं, तो फिर उन लोगों ने आज तक ऐसा किया क्यों नहीं? ये मैं बता रहा हूं मैम, दे ऑल आर एजेंट्स, ये सबके सब दलाल हैं। संभवतः मेरी बात आपको गलत लग रही होगी, पर मैं अपनी बात बहुत ही स्पष्टता से कहता हूं, सब भूजल माफिया के दलाल हैं ये। सबसे पहले ये जो माफिया टर्म है, माफिया, ये बार बार हमारे बीच में आता है, लेकिन माफिया टर्म कभी डिफाइन नहीं हुआ कि माफिया है क्या। ये शब्द हमने बार बार सुना होगा, माफिया, भूजल माफिया, रेत माफिया, सैंड माफिया, ये माफिया, वो माफिया, कोल माफिया, लेकिन व्हाट इज माफिया, माफिया है क्या, माफिया टर्मिनोलॉजी ये है क्या? तो माफिया को मैं, जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको डिफाइन करूंगा कि माफिया होता क्या है। माफिया वो है कि कोई रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो आपके पास पड़ा हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, मान लीजिए मिट्टी है, अब एक मुट्ठी आपने मिट्टी उठाई, मिट्टी की कोई कॉस्ट है नहीं, लेके गई, गांव वालों ने कुछ कहा नहीं, मिट्टी आपने उठाई, मिट्टी लेके आप शहर आ गए, गांव वालों ने कुछ कहा नहीं, मिट्टी को कौन पूछ रहा है। लेकिन जब वही एक एक मुट्ठी के स्थान पे कोई एक ट्रैक्टर उठा ले और तब भी वहां कोई ना रोके, तो माफियाज क्या करते हैं, उन सारे रिसोर्सेज पे जिसकी कहीं कोई नजर नहीं है। भूजल क्या है? भूजल पे कोई निकाल लो, कोई एक लोटा निकाल ले, पूरा करके टैंकर भर निकाल लो, कोई रोकने वाला है नहीं। तो माफिया करते क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करते हैं, और इसके पीछे हाँ, जैसे कि आयरन माफिया, झारखंड में आपका आयरन माफिया हो गया, कोल माफिया हो गया, तो जिन रिसोर्सेज पे समाज वो है, उस पर पूरी तरीके से समाज का अधिकार है। ना सिर्फ पानी, बल्कि यहाँ पर समुन्द्र के किनारे बहुत सारा रेत का माफिया है, वो लोग किसी और को काम करने ही नहीं देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रेत पे कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे जो कंस्ट्रक्शन में काली वाली रेत काम में आती है, गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन वगैरह पे, वहां पर
ना परेशान करते हैं वो लोग, और गुंडागर्दी होती है, लोगों को मार दिया जाता है। मेरे एक दो क्लाइंट्स हैं तंग आके उन लोगों ने ये बिजनेस छोड़ दिया, तो क्योंकि अभी माफिया अभी किसी को अभी मैं ट्रक्स आपको खाने नहीं देता, कहते सिर्फ हमारा ट्रक चलेगा। बिल्कुल, तो अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि और आपने वो कहा जब पॉलिटिशियंस के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल, तो अभी जब आपने ये कहा कि ये जब सबको पता है तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जो भूजल माफिया है, ये जो बिस्लेरी है, जो किल्ले है, ये सबके सब भूजल माफिया, और एक पूरा ये पूरा नेक्सस चल रहा है भूजल माफिया के प्रोटेक्शन में। बिस्लेरी को पानी कहां से मिल रहा है? क्या रेन वाटर है क्या? बिस्लेरी ने जो पानी उठाया वो कौन सा पानी है? सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट कर लें कि पानी है कौन सा। तो बिस्लेरी ने जो पानी उठाया वो ग्राउंड वाटर है। मतलब भूजल को निकाल के, उसको फिल्टर करके, और उसपे 10 तरह की बातें करके, और वही पानी आपको बेचा जा रहा है। ग्राउंड वाटर है भी या म्युनिसिपल वाटर है पता नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने उसका पीएच टेस्ट किया था कैंगन वाटर फिल्टर के लिए, जब हम लोगों ने उसका पीएच बैलेंस जो टेस्ट होता है वो किया, जी, तो उसमें और नल के पानी में कोई फर्क नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी नहीं। और कोई यहाँ पर डिफरेंस मतलब बॉम्बे में, यहाँ शहर के अंदर उनके पास जो फैक्ट्री है वहां पे कहां से उन्होंने कुआं खोदना है और कहां से पानी आना है, सारा तो नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल ना बिल्कुल मिनरल वाटर है, उसके ऊपर जो मिनरल का लेबल लगाया हुआ है वो गलत है। कोई एक हिमालय का बोलते हैं हम पानी लेकर आए हैं वो गलत है, क्योंकि वो भी शहरों में हो रहा है। कोई हिमालय से पानी नहीं आ रहा, कोई हिमालय से उन लोगों ने बिल्कुल पाइपलाइन तो खोल नहीं रखी, बिल्कुल 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 तो फिर सबसे कहां से वो लोग उसको मिनरल वाटर कह रहे हैं, उसमें मिनरल तो नाम का भी नहीं है। मैम, ग्रामोदय फाउंडेशन ने जो सबसे पहले जो बात उठाई, आग्रह पूर्वक, ग्रामोदय फाउंडेशन जो प्रारंभ से ही बोल रहा है कि सबसे पहले जो हमारे हमारे जो मूल अधिकार है, जल पे हमारा मूल अधिकार है, ये मूल तत्व है, जल, वायु, अग्नि, ये जो तत्व है, जो प्रकृति के पंच तत्व है, कम से कम इस पे तो कॉर्पोरेट का अधिकार ना हो। बिल्कुल हाँ, हमारे यहां तो कभी कल्पना ही नहीं थी कि जल भी हम खरीद के पिएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट पैसे के इतने टैक्सेस लगाती है। और बॉम्बे में तो अभी प्राइस कॉस्ट पानी का बढ़ गया है, और अब कह रहे हैं कि अब सबको लिमिटेड मात्रा में मिलेगा। और घर घर, पहले तो ये था कि पूरी बिल्डिंग को इतना जाता है तो बिल्डिंग ने पैसा देना है, अब ये है कि घर घर के हिसाब से जैसे बिजली नापी जाती है ऐसा पानी नापा बिल्कुल, जाएगा, उसके हिसाब से बिल देना पड़ेगा। तो हम यहां यही कह रहे हैं, ये सारी बातें जल को बेचने वाली क्यों हो रही है, इसके पीछे मूल एजेंडा क्या है उसको समझिए। ये पहले एक नैरेटिव गढ़ा गया कि जल की कमी है। आप किसी भी चीज को तभी बेच सकती हैं जब आप ये दिखाएंगे कि उसकी शॉर्टेज है। सही जो बात है। एक्सेस, हाँ, जो एक्सेस है, आप उसको बेच कैसे पाएंगी? अगर सबको पता चल जाए कि वाटर हमारे पास एक्सेस है, तो कॉर्पोरेट कभी वाटर को बेच पाएगा क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर पूरे भारत को ये पता चल जाए कि वाटर की शॉर्टेज ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, तो आपको लग रहा है कि कॉर्पोरेट वाटर का व्यापार कर पाएगा, जल का व्यापार कर पाएगा? ये कल को ये भी कह देंगे कि ऑक्सीजन की कमी है, ये कल को ये भी कह देंगे कि मिट्टी की कमी है, ये कल को ये भी कह देंगे भोजन की कमी है, वस्त्र की कमी है, अनाज की कमी है। मिट्टी की तो कमी है, इतना बड़ा कोस्ट लाइन है हिंदुस्तान का, लेकिन रेत आप एक मुट्ठी नहीं उठा सकते बीच से, तो ये अलाउड ही नहीं है। वो हो सकती है, पर अभी वाटर के प्रोस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, तो वाटर के प्रोस्पेक्ट में जहां तक मुझे दिख रहा है, जल की कोई कमी नहीं है भारत में। अगर भारत का एक तिहाई क्षेत्र डूब रहा है, बाढ़ में डूब रहा है, वो सारा पानी समुद्रों में चला जा रहा है, और वो जो भारत की जल की वार्षिक जरूरत है, मान लीजिए भारत के जल की वार्षिक जरूरत 100 लीटर है, तो उसका 3,000 गुना पानी समुद्रों में जा रहा है, 3,000 टाइम्स। इसका जितनी इलाज क्या है? इसका इलाज, उस पानी को स्टोर किया जाए। उसी के लिए जो वैज्ञानिक श्याम सुंदर राठी हैं, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं, कोई सामान्य वैज्ञानिक नहीं है, हमारी संस्था के साथ काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उनका 30 ईयर का पूरा रिसर्च है ये। अगर कभी मौका मिला तो मैं कभी आपके शो में उनको भी इन्वाइट करूंगा, श्याम सुंदर राठी जी। उन्होंने पूरी एक बुक भी लिखी है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा साइंस। वो यही कह रहे हैं कि इस पानी को साइंटिफिकली स्टोर किया जा सकता है। यू हैव पंप्स, पंप्स हैं आपके पास, और आप मेगा कंस्ट्रक्शन टंकियों का कर सकती हैं जमीन से ऊपर।
आपको टंकियों में पानी को स्टोर कर लेना है, जो बाढ़ का पानी है बस उस बाढ़ के पानी को स्टोर कर लेना है। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, कोई बड़ा प्रोसेस ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जहां से ये लोग ग्राउंड वाटर से, ट्यूबवेल से, कुएं से, या जहां जहां से ये लोग पानी निकालते हैं जमीन के जी अंदर से, उसके जी अंदर पानी भरा नहीं जा सकता? एक बार फिर से इसको थोड़ा सा आप पूछिए, मैं थोड़ा। मैं ये पूछ रही हूं कि हिंदुस्तान में जगह जगह, इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है, मैं एक दो जगह पर गई हूं जहां हाईवे पे हर 1,000 मतलब जैसे समझो 50 किलोमीटर पे या 10 किलोमीटर पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं। वो होते हैं जी ना हैंडपंप, हैंडपंप नॉट ट्यूबवेल, जी हैंडपंप। जी अच्छा, खेतों में ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, उसके जी अलावा कुएं हैं कई कई जगह पे जो पुराने सालों पहले खुदे हुए हैं, या अब भी लोगों ने कोशिश की होगी पानी की कमी की वजह से कुआं खोदने की। तो उसमें से जहां से ये पानी निकाल रहे हैं, उसके अंदर इस पानी को दोबारा भरा नहीं जा सकता, जो बारिश का पानी है हार्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि मैं वही कह रहा पानी हूं, तो मैं अपना कुएं। रास्ता बना ही लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया। पहले समझ लेते हैं कि ग्राउंड वाटर को हमारे यहाँ इंटेक किया जाता था। ऐसी बात नहीं कि ग्राउंड वाटर को हम लोग नहीं लेते थे, उसमें मुख्य रूप से कुएं होते थे। कुएं और चापाकल दो चीज होती थी, एक कुआं होता था और एक चापाकल होता था जिससे हम ग्राउंड वाटर का इंटेक करते थे। लेकिन मैम अभी चापातल, समझिए, चापातल क्या होता है? हाँ चापाकल हैंडपंप, हाँ अच्छा, हैंडपंप। हैंडपंप, एक हैंडपंप हो गया और एक कुआं हो गया। ये दो चीजें हो गई जिसके माध्यम से मनुष्य जो है वो ग्राउंड वाटर का इंटेक करता था। इस बात को मैं, मतलब इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। आप समझिए कि ग्राउंड वाटर का इंटेक तब तक पॉसिबल है जब ग्राउंड वाटर का लेवल 17 फीट, 18 फीट, 19 फीट, 20 फीट, 30 फीट तक हो, मैक्सिमम 30 फीट। लेकिन आप मेरी बात समझिए, इस समय 30 फीट वाली सिचुएशन खत्म हो चुकी है। मैक्सिमम एरियाज पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो 170, 180, 190, 200, महाराष्ट्र के लातूर जिले में 670 फीट से नीचे तक जा चुका है। तो वहां पर और पेड़ पौधे तो पनपेंगे ही नहीं। वो पनपेंगे नहीं, कैसे पनपेंगे? जड़ों की जो मैक्सिमम डेप्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है जड़ों की, तो 12 से 13 फीट, 12-13 फीट भी मैंने बहुत बोल दिया। 170 फीट पे जहां पे पानी है वो तो आप समझ लीजिए मरुभूमि बन चुका है, वो पूरी तरीके से मरुभूमि। वहां पे कोई स्कोप ही नहीं है, घास तक नहीं उगेगा, घास का एक पत्ता भी नहीं उगेगा वहां पे। तो मैंने यही तो कहा था कि ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है ये पूरी तरीके से एक प्रोजेक्ट है, पृथ्वी को मरुभूमि बनाने का ये प्रोजेक्ट है पूरा, कि मरुभूमि बनाया जा रहा है। इसमें सेंट्रल वाटर कमीशन इन्वॉल्व है, जो आपका केंद्रीय जल सेंट्रल आयोग। वाटर कमीशन, जी हाँ, ये भारत सरकार का एक ये पूरा आयोग है। एक मिनट, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये क्या पूरी दुनिया में हो रही है या सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही है? ये पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। पूरे दुनिया में हो रही है, ऐसा नहीं है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये जो नीति है, ये नीति भारत की नहीं है, भारत की कोई परंपरागत नीति नहीं है, ये नहीं। ट्रेडिशनल नीति नहीं है। हमारे यहां तो कभी ये विषय ही नहीं था कि ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन का। ये सारी नीति जो है ये वैश्विक नीति ही है, हमारे ऊपर इंपोज की गई है, हमारे कब ऊपर से लाद हुआ है, दी कब से हुआ है ये? गई है। ये समझिए, जब से ब्रिटिशर्स आए और जब से भारत तथाकथित रूप से स्वतंत्र हुआ, जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस जो हमको मिली है, जो सो पेपर इंडिपेंडेंस, हाँ, तो वो तब से चल रहा है ये सारा नीति। भारत सरकार की अपनी कोई स्वतंत्र नीति है ही नहीं, जो यूएन कह दे, जो WHO कह दे, जो उनकी संस्थाएं कह दे, वो उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। कोई तो ये साइंटिस्ट आएगा, कोई साइंटिस्ट आएगा, वाटर हाँ, कमीशन की सेंट्रल जो आप वाटर। बात कर रहे थे, इंडिया में जी जो ऑर्गेनाइजेशन है वाटर कमीशन जो आप बात कर रहे थे, वो जी चाहते क्या है? नहीं, तो पहले ये समझिए वो बना किस लिए है, वो चाहते क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझिए कि वो बना किस लिए है, सेंट्रल वाटर कमीशन की भूमिका क्या है। आप समझिए, भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
वो सेवा देने के लिए है, लूटने के लिए नहीं बनी है। राइट, ये मैं थियोरिटिकल ग्राउंड पे बात कर रहा हूं। ये बात भूल जाते हैं लोग। हाँ, वो सेवा करने के लिए बनी है, वो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं बनी है। नॉट फॉर रिवेन्यू जनरेशन, उनका काम है सर्विस देना है। वो नौकर है वो लोग, लोकतंत्र, लोगों का शासन लोगों के लिए है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन का काम क्या है? हर व्यक्ति को शुद्ध जल देना, पहला काम। वो जल की समस्या से एक भी व्यक्ति प्रभावित ना हो, दूसरा काम। बाढ़ में 5 करोड़ घर ना डूबे, तीसरा काम। भूजल की वजह से वृक्ष ना मरे, चौथा काम। ऐसे उसके काम है। लेकिन सेंट्रल वाटर कमीशन तो ईयरली 27 से 30 हजार करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये सेंट्रल वाटर कमीशन का रिवेन्यू है। Wow. तो सेंट्रल वाटर कमीशन, आप ये समझिए, सेंट्रल वाटर कमीशन बना किस लिए था? हम पूरी तरीके से संविधान का विरोध भी नहीं कर सकते, संविधान गलत नहीं है। एग्जीक्यूटर्स जो हैं, जिनके हाथ में ये दिया गया है व्यवस्था एग्जीक्यूट करने के लिए, 5 करोड़ घर डूबे बाढ़ की वजह से, तो जिम्मेदारी किसकी? आपने क्या किया? तो आपने दे दिया बिहारियों को, बिहार में घर डूबे और आपने बिहारियों को दे दिया चिवड़ा और मीठा, ये लीजिए चिवड़ा और मीठा खाइए। हमारे यहां घर डूब जाते हैं और घर डूबने के बाद बाढ़ को खत्म नहीं किया जाता है। लोगों को जो फ्लड रिलीफ है, जो मैं चिवड़ा मीठा कह रहा हूं, आप समझ पा रही होंगी, वो धान से बनता है, धान की कुटाई से चिवड़ा बनता है और गुड़, ये बांट दिया जाता है। ये है सॉल्यूशन? इज इट सॉल्यूशन? हर साल आसाम की तरफ वहां पर हर साल इतनी बाढ़ आती है और वहां पे हजारों लाखों जानवर जंगल के मरते हैं, और ये जी हर साल से हो रहा है लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा। हर बार उसके बारे में नहीं, शोर बहुत मचता है, लोग ट्विटर पे बातें करते हैं, पीटा बातें करते हैं एनिमल्स के बारे में, जो लोग मरते हैं वो अलग, लेकिन इस बारे में करता नहीं वाटर कमीशन। मैम वो क्यों नहीं किया जाता, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। मैं बहुत ही स्पष्टता से बोलूंगा, मैं कहीं भी लाग लपेट नहीं रखता हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं घुमा फिरा के नहीं अपनी नहीं बातें बोलूं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं आपको स्पष्टता से बता दूं, केवल बिहार गवर्नमेंट का बता दे रहा हूं। बिहार गवर्नमेंट केवल बाढ़ के नाम पे ईयरली जो उसको फंड मिलता है, कम से कम 1 लाख करोड़ से अधिक का फंड मिलता है, 1 लाख करोड़। हाँ, 1 लाख करोड़ से अधिक का फंड मिलता है केवल बिहार गवर्नमेंट को। हाँ, अब इसमें समझ लीजिए, मैं आपको उसके जो स्रोत हैं वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहला यूनाइटेड नेशन से पैसा मिलता है, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है, बाहर के जो विदेशी एनजीओ हैं वो भी पैसा देते हैं, पीएम केयर्स फंड। हमारे यहाँ लोग इतने बेवकूफ हैं, मैं बड़ा गंदा शब्द कहूंगा, लोग इतने मूर्ख हैं कि पीएम केयर फंड में पैसा डाल के वो लोग समझते हैं कि बाढ़ का सॉल्यूशन हो गया, जबकि पीएम केयर फंड और हाँ जबकि पीएम केयर फंड और सीएम केयर फंड तो लूट का अड्डा बन चुका है। बिल्कुल, वो तो चाहते हैं कि ये जारी रहे, जारी रहे, पीएम केयर फंड, लोग सीएम केयर समझते फंड। नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ तो इंडिया अपना फंड चलाता है, वो इतना पैसा करोड़ों में वो लोग जमा करते हैं और वो सारे पैसे गलत चीजों में काम आते हैं, हम लोगों के बिल्कुल, खिलाफ काम आते हैं, कोई किसी को नहीं पहुंचते पैसे। और मैं तो कह रहा हूं कि आप चलिए, अगर मान लीजिए कि हम जो आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं ये गलत हो सकता है, मान लिया हमारा सॉल्यूशन गलत हो सकता है, तो आप इसमें सॉल्यूशन, तो फिर आपने जो इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, ये क्या दलाली के अड्डे हैं? ये किस लिए बने हैं फिर? शोध संस्थान किस लिए हैं? वाटर पे शोध करने के लिए भारत में नहीं भी तो 50 से अधिक संस्थाएं बनी हुई हैं। ये 17 साल से कर क्या रही है? अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा हमारी थ्योरी गलत हो सकती है, हम गलत बोल रहे हैं, तो जब हम गलत बोल रहे हैं, तो जो आपने वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फलाना इंस्टीट्यूट, ढिंकाना इंस्टीट्यूट, आईआईटी, आईआईएम, ये किस लिए बना है? मुझे आज तक तो ये भी एक लूट का अड्डा ही बन चुका है। बिल्कुल, फिर ये दुकानदारी बंद की जाए, सबसे बड़ा है वो तो, एजुकेशन तो सबसे बड़ी लूट है, तो दुनिया भर की गलत चीजें उसमें सिखाई जाती हैं, और जो सिखाई जाती हैं चीजें वो इस्तेमाल करने, मतलब वो उसको कैरी आउट करने तो दिया नहीं जाता, जैसे कि आप बोल रहे हो। बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि श्याम सुंदर राठी जी गलत हो सकते हैं, मैं मानता हूं कि श्याम सुंदर राठी जी गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर श्याम सुंदर राठी जी गलत हैं, तो सही रास्ता आपने 70 सालों में क्यों नहीं डेवलप किया? आपने सही रास्ता 70 सालों में क्यों नहीं डेवलप किया?
ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देन सेंट्रल वाटर कमीशन इज फॉर व्हाट? ये जब सेंट्रल वाटर कमीशन बना था शुरुआत में, तो जी, किसने बनाया था, मतलब उनका हेड कौन था, उनकी टीम कौन कौन थे ये लोग? मुझे मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा का पूरा आज इसको कौन कॉन्स्टिट्यूशनल संभाल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स, कौन? ब्यूरोक्रेट्स संभालते हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेट्स संभालते हैं, जितने भी यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होके जो लोग जाते हैं वही संभालते हैं उसको। सेंट्रल वाटर कमीशन एक स्वायत्त इकाई है, संवैधानिक तरीके से उस पे प्रधानमंत्री का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, जस्ट लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना मैम? बिल्कुल, तो सेंट्रल वाटर कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सेंट्रल वाटर कमीशन की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक एक व्यक्ति को प्योर वाटर सप्लाई करना उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ ये भी उसकी। लोगों से ये काम करवाया कैसे जाए वो बताओ। तो अब उसके अगर वो नहीं करेंगे तो वो दंड के भागी हैं, वो दंड। मैंने यही कहा कि अगर एक व्यक्ति इस देश में हत्या करता है तो उसके ऊपर धारा 302 लगती है, उसके ऊपर धारा 302 लगती है। आप समझ लीजिए, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के थ्रू, बाढ़ के थ्रू, ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू, जो कि सारे इंटरकनेक्टेड है। मैं ये सारी बातें मैं बार बार कह चुका हूं, ये सब के सब इंटरकनेक्टेड है। इसकी वजह से प्रति वर्ष 40 लाख लोगों की हत्या होती है। बिल्कुल, तो देन उनके हु इज ऊपर रिस्पॉन्सिबल? तो वाटर कमीशन के लोगों को तो फिर फांसी चढ़ा देनी चाहिए। तो मैं अब मेरी बात समझ गई होंगी। मैं संकेत मैंने अपना स्पष्ट कर दिया। तो फिर देन हु इज गवर्नमेंट क्यों चुप रिस्पॉन्सिबल? है, प्राइम मिनिस्टर क्यों चुप है, प्रेसिडेंट क्यों चुप है, जनता क्यों अरे चुप है? जनता को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। आप मुझे सबसे तो पता ही पहले नहीं ये, वाटर कमीशन नाम की कोई चीज होती है। मैंने वही कहा मैम, इस देश के संविधान को समझने की आवश्यकता है। सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट किसने किया? किसने किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फिर वो प्रेसिडेंट उनसे सवाल नहीं करते कि तुम कर क्या रहे हो, झक मार रहे हो, मक्खियां मार रहे हो बैठ के कुर्सी पे? ये तो इस देश की जनता को पूछना चाहिए। हम तो कब से पूछ रहे हैं? ग्रामोदय फाउंडेशन कब से पूछ रहा है? हमारे पास तो पूरे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, पूरे पेपर्स पड़े हुए हैं हमारे पास। आपके ग्रामोद्योग फाउंडेशन में, ग्राम उदय फाउंडेशन में आप ये सब सवाल जो कर रहे हो, आपने कोई पीआईएल दाखिल किया है, आरटीआई दाखिल किया है, या आपने उनको कोई प्रेसिडेंट को मतलब पोस्टकार्ड या चिट्ठी भेजी है, भेजी मैं दो तीन बातें, है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी हमने किसी भेजी ने सवाल, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि किसी ने एक सवाल पूछा था कि आपका जो ग्रामोद्योग फाउंडेशन है, एक मिनट कहाँ गया, क्या माफिया, जो भू जल माफिया, जी अंडरग्राउंड वाटर माफिया की जी जिसकी आप बात कर रहे हो, उन लोगों को क्या आपके बारे में पता है? क्या उन्हें आप एक थ्रेट लगते हो? आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सबको हमारे बारे में जानकारी है, लेकिन इस देश की जनता हमारे साथ है और हम उन्हीं के इसलिए भरोसे चल रहे हैं। इस देश की तो जनता, क्योंकि जनता को नहीं पता, दैट्स व्हाई यू डोंट सी एम एज अ थ्रेट। आप उनको थ्रेट लगते नहीं कि ये चार लोग क्या कर लेंगे नहीं जब उनको तक उनको सबका लगता है साथ कि नहीं है। उनको लगता है कि ये लोग हमारे लिए घातक हैं। उनको लगता है बहुत सारे लगता थ्रेट है हमको, बहुत सारे हमको थ्रेट मिल चुके हैं। ओ इतनी स्पष्टता से अगर हम बोल रहे हैं तो आपको क्या नहीं लगता आप हमको थ्रेट नहीं मिलते होंगे? अगर हम अपनी बातें इतनी स्पष्टता से बोल रहे हैं तो हमको थ्रेट नहीं मिलते होंगे क्या? तो आप भी सर पे तो कफन बांधे हो। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सारी बातें इतनी स्पष्टता से, ये बातें बोलने वाली नहीं है, अगर हम सारी बातें अपनी इतनी स्पष्टता से बोल रहे हैं, आप भी बीच में हम ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन का जो चेयरमैन है दैट इज कल्प्रिट, तो आपको क्या लग रहा है हमारे ऊपर थ्रेट नहीं होंगे? ये तो बात हम बार बार बोल रहे हैं आज की आपकी। डेट में वो जो सेंट्रल वाटर कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है, उसका नाम क्या है? सौमित्र हलधर, सौमित्र हलधर, सौमित्र हलधर हलधर। जी। ओके, तो उसके खिलाफ कोई केस वेस किया सुप्रीम कोर्ट में?
आप क्या कर सकती हैं? मैंने कहा कि इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीआईएल इज फॉर व्हाट? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हाँ, तो वो किसके किसके अगेंस्ट होती है? सरकार के अगेंस्ट। अब सरकार से संजीव तिवारी लड़ेंगे क्या? एक पीआईएल डालने का खर्चा खर्चा घूम फिर के 20-25 लाख का हो जाएगा। हाँ ये बात तो है, क्योंकि वो रिसोर्सेस है। जूही चावला ने पीआईएल जो डाला था तो उसको शायद 2 लाख। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उस दिन मैं विलास जगदाले जी के साथ जब वीडियो हो रहा था तो उनसे यही बात कर रही थी कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ किसी को कोई कंप्लेन दाखिल करनी है तो उसका जी खर्चा 2 लाख रुपए एक चिट्ठी लिखने का, ये कहाँ का न्याय है? मैम, इस देश का सामान्य नागरिक पीएमओ में जा नहीं सकता है, अपनी अपील नहीं कर सकता, राष्ट्रपति भवन में जाके अपनी अपील नहीं कर सकता है। हमको राष्ट्रपति भवन तक अपना लेटर रिसीव करने के लिए 20 दिन लग गए, एक लेटर रिसीव करने में। केवल एक लेटर रिसीव करना था, जो कि हमारा अधिकार था। वहां भी कहा जाता है कि 6 लोग नहीं प्रवेश कर सकते हैं, केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश करेगा। एक लेटर रिसीव करने में, जो कि हमारा अधिकार है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं, जो हम वी कैनॉट एक्सरसाइज देम, मतलब वो हम उसके हिसाब से हम जी नहीं पाते, या हम हमारे हक में जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। जी, मैं आपको अच्छा एक सवाल और है कि ये जो नदियां मर चुकी हैं, सूख जी चुकी हैं, जी इतनी बारिश और बाढ़ होने के बाद भी वो नदियां फिर से जीवित क्यों नहीं होती, उनके अंदर पानी क्यों नहीं भरता, और उसको उस बारे में कुछ किया क्यों नहीं किया जाता? जब प्रतिदिन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो नदियां कैसे रिवाइव होंगी? बालू का खनन प्रतिदिन हो रहा है। बालू जो होता है, बालू बालू के बारे में समझो, बालू जो होल्डर होल्डर ऑफ वाटर, वाटर को होल्ड करने वाली चीज है बालू। जब नदी में, आपके बिहार की जो फल्गु नदी है जो गया में बहती है, फल्गु के बारे में हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि माता सीता जी ने श्राप दिया था उसको। फल्गु का 70% बालू एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है। छोटी छोटी स्वतंत्रता के पश्चात, जिसको आप स्वतंत्रता, जिसको आप इंडिपेंडेंस कह रही हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस 6 लाख से अधिक नदियां भारत की विलुप्त हो चुकी हैं। 6 लाख, 6 लाख छोटी नदियां, छोटी नदी, वाव, इतनी छह नदियां हैं लाख जिसमें मुझे पता भी नहीं था। जी हाँ, 6 लाख से अधिक छोटी नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। उनके ऊपर खेलने के मैदान बन चुके हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं नदियों के ऊपर। बिहार के गोपालगंज की स्याही नदी, महाराष्ट्र की वर्धा नदी, इनकी क्या स्थितियां हैं? छोटी छोटी नदियां खत्म हो गई, क्योंकि बालू बालू का एक्सट्रैक्शन हुआ, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ। दोष किसको दिया गया? दोष इस देश की अबोध जनता के ऊपर मढ़ दिया गया कि समाज दोषी है। अरे समाज कहां से दोषी है? नीतियां आपने ऐसी बनाई। आप ये बताइए मैम, क्या इस देश में बैल की जगह पे ट्रैक्टर समाज लेके आया था? ट्रैक्टर की लाइसेंसिंग गवर्नमेंट ने ही की ना, समाज क्या कर सकता था उसमें? आप ट्रैक्टर लाते हो, समाज से पूछते हो क्या? बैलों की तो हत्या हो जाती है। जब आपने अल्टरनेटिव खत्म कर दिया तो पशुओं की तो हत्या होगी ही। गांव में ये स्थिति हो चुकी है मैम कि कोई व्यक्ति चाहता नहीं है कि मेरे घर में बाछा हो, बाछी ही होनी चाहिए, मतलब गाय का फीमेल वर्जन ही होना बच्चा चाहिए। हाँ क्यों? क्योंकि बैलों बैलों का जो उपयोग है उसका स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया। ट्रैक्टर अरे की बैल लाइसेंस, नहीं रहेंगे तो गाय को बच्चा कैसे होगा? बिल्कुल। तो मेरे कहने का यही अर्थ यही है मैम कि ये एक पूरी प्लानिंग के तहत समाज के ऊपर, मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज के ऊपर दोष मढ़ दिया जाता है। ये ट्रैक्टर और बैल की कहानी केवल इसलिए थी कि दोष समाज का दोष कहीं से भी नहीं है, केवल और केवल सरकार की नीतियां दोषपूर्ण है, जो गलत नीतियां प्रारंभ से बनाई जा रही हैं बिना सोचे समझे। और ये केवल और केवल ऊपर से जो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, जो यूएन से एग्जीक्यूट हो जा रहा है,
जो वैश्विक संस्थाएं, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो नीतियां यहाँ पे बोल के चली, जो बेसिक बोल के चला गया, वैक्सीन लगाना है तो लगाना है। तो जो स्टेट के गवर्नमेंट्स हैं, जैसे जी आप बिहार की बात कर रहे थे, तो बिहार का जो सीएम है जी उसके साथ इस बारे में चर्चा या बात करके उसे नहीं कहा जा सकता कि वो कुछ करे इस बारे में? एक मिनट, आप बोलिए, मैं जरा लाइट ऑन कर दूं, अंधेरा हो रहा है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा है। स्टेट विदाउट सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता है। सेंटर की बिना परमिशन के स्टेट स्टेट का पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये सिर्फ कहने की बात है। नहीं, ऑन पेपर आज तो यही है ना। महाराष्ट्र में इतनी मनमानी हो रही है, वहां पे सेंटर का कुछ चल ही नहीं रहा। हाँ, तो वो पिछले 1.5 साल से अनकंस्टिट्यूशन, देख रहे हैं हम लोग। जो मनमानी हो रही। देखिए, जब इनको गलत चीजें एग्जीक्यूट करनी होंगी तो मनमानी करेंगे, और सही चीजें एग्जीक्यूट करनी होंगी तो ये कहेंगे फेडरल स्ट्रक्चर है। समस्या तो यही है ना। इसका मतलब कि स्टेट के हाथ में है, अगर वो स्टेट के हाथ चाहे में बहुत कुछ, तो। स्टेट के हाथ में बहुत कुछ है, अगर और स्टेट के कुछ हाथ नहीं तो कम से कम स्टेट अपने हर स्टेट में दो चार ऐसे तालाब जैसे कुछ बना दे जहां पे पानी जमा होता रहे। जैसे बॉम्बे के आसपास 5 तालाब थे, उसके अंदर से दो तो धीरे धीरे सूख रहे हैं। ना ना, तालाब वाला विषय मैं पहले भी मैम आपको क्लियर कर चुका था। अब जो तालाब वाली बात है ना, वो चलेगा नहीं। जो राठी जी कह रहे हैं कि तालाब की, हम एंटी नेचर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तालाब वाली बात अब इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आपका ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा चुका है। तालाब इज अ स्टेनर, नॉट कंटेनर। तालाब कंटेनर नहीं है, तालाब में पानी स्टोर नहीं होता है। तालाब से पानी जो है रीत के और जमीन के नीचे चला जाता है अच्छा, तालाब तब। हाँ, क्योंकि अगर आप मेरी बात को समझ पा रही हैं, अगर मैं समझा पा रहा हूं, तो अगर ग्राउंड वाटर लेवल 17 फीट, 18 फीट, 20 फीट नीचे होगा तो तालाब वर्केबल है, काम करेगा। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर 200 फीट नीचे है तो तालाब काम नहीं करेगा। नहीं, वो बात सही है आपकी, बट एटलीस्ट तो जो नदियों की बाढ़ का पानी आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए डैम्स हाँ, या तो कुछ। नदियों को बाढ़ के पानी के लिए आपको एक टंकी बनानी है। वो पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पूरा साइंटिफिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। श्याम सुंदर राठी जी की वो पूरी बुक है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा साइंस, जिसके लिए टंकियां बनानी है पंप से एक पानी मिनट, को। क्या नाम क्या है बुक का? न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा साइंस, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा साइंस, मेगा साइंस, MEGA, मेगा मेगा टाइम्स, मेगा मेगा टाइम्स, साइंस, मेगा साइंस। मेगा साइंस। हाँ, मेगा और साइंस ये है किसका, क्या नाम था भाई, उनका? श्याम सुंदर राठी। श्याम सुंदर राठी, इनका नाम सुना हुआ है मैंने, श्याम सुंदर राठी। ठीक है, तो ये इसमें पूरा साइंटिफिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेंट्रल वाटर कमीशन को ये बुक कई बार दी जा चुकी है। सेंट्रल वाटर कमीशन के पास इस बुक की नहीं भी तो 3 प्रतियां पड़ी हुई हैं। ये पढ़ पढ़ के देखा भी नहीं होगा, खोल के एक पन्ना भी नहीं पढ़ा होगा। क्यों पढ़ेंगे, वो पैसा कमा रहे हैं बैठे बैठे। बस वही बात है ना, एक पन्ना भी खोल के नहीं पढ़ा होगा, जबकि पूरा मैकेनिज्म इसमें दिया हुआ है। इस देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इसकी प्रति दी जा चुकी है। अब प्रेसिडेंट मोदी मोदी को इससे दिया है, ज्यादा हमें अमित सोच शाह क्या को करें। दिया है, उनको भी भेज दो एक-एक। नहीं, इस देश के विज्ञान मंत्री, केवल जल शक्ति मंत्री नहीं, विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन को भी दी जा चुकी है। तो फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ अब इससे ज्यादा अप्रोच हम क्या करें? नहीं कर अगर सकते, अगर जनता हमसे कोई या पूछे, और कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं, अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपने क्या किया, तो हम तो कहेंगे भैया हमने कुछ नहीं किया है। इससे ज्यादा हमारा सामर्थ्य नहीं है इससे अधिक करने का। और हमारा एक ही काम है, समाज के बीच में जाना, उनको समझाना, जो हम कर रहे हैं। हमारे पास अंतिम विकल्प यही है, हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। राइट, तो समाज को जगाने से समाज आपका आपकी कैसे मदद कर सकता है, या इस बात का सोल्यूशन कैसे निकाल सकता है? ये एक बड़ा जन आंदोलन हो और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बने। जब हमारे देश में बेकार के मुद्दे पॉलिटिकल मूवमेंट बन सकते हैं, तो ये भी पॉलिटिकल मूवमेंट बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, और बनना चाहिए, क्योंकि ये तो नेसेसिटी है इंसान की। बिल्कुल,
तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट बनेगा, जो भी लोग हैं जो सरकार से क्षुब्ध हैं वो साथ में आए और इस विषय पे एक जन आंदोलन खड़ा हो। अब तो कुछ सालों से, कितने 15-20 सालों से, तब तो बंबई में हर साल बाढ़ आने लग गई है। पहले कभी भी नहीं आई थी जिंदगी में, कभी बाढ़ नहीं आई थी। बंबई में तो जो मैम आ रहा है वो बाढ़ नहीं, वो जल भराव है। पर बारिश की वजह से तो जो बाढ़ आती है वो आती है ना। हाँ मीठी नदी तो है जो नाला बन चुकी है। वो तो बंबई का तो स्ट्रक्चर इतना डैमेज है। मैं बंबई होके मैं कई बार रह चुका हूँ मुंबई, मैंने पूरा देखा हुआ है वहां का। वो तो जानबूझ के प्लानिंग के थ्रू किया जा रहा है। आप समझ लीजिए डिजास्टर मीन्स लूट, डिजास्टर का मतलब ही लूट है। महाराष्ट्र में सूखा है तो सूखे के नाम पे नहीं भी तो 2.5 से 3 लाख करोड़ का फंड आएगा पर ईयर। बिहार में बाढ़ है तो बाढ़ के नाम पे 1.5-2 लाख करोड़ का फंड आएगा। बाढ़ सूखा ये सब जो है लूट है। इसीलिए इस बारे में कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि बाढ़ आएगी तो स्टेट को सेंटर से फंड्स मिलेंगे। अरे अरे हमारे बिहार में तो इंजीनियर 50 लाख रुपए कमीशन खिलाते हैं कि हमको कोसी वाले क्षेत्र में अपॉइंट कर दिया जाए जहां पे बाढ़ आता है। हाँ हे इससे अधिक क्या भगवान, करें। हाँ वो कहते हैं कि हमको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रख दीजिए बाढ़ वाले रीजन में। ये वाटर कमीशन का जो चेयरमैन है उसकी कुर्सी उसको कौन देता है? उस तक कैसे पहुंचते हैं? आप क्यों मैंने नहीं चले बता जाते दूं उधर? वो एक ब्यूरोक्रेट होता है, जैसे नॉर्मल आईएएस आईपीएस ऐसे ही होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उनको अपॉइंट जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ, जितने भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही होती है। अच्छा ये सब तो कहने की बातें हैं लेकिन भीतर खाने में क्या चलता है सब पता है। प्रेसिडेंट, आपको नहीं लगता कि पीएम के हाथों की कठपुतली है? लेकिन हमको पढ़ाया तो कुछ और गया था। अब वही तो, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है मैं आज तक समझ नहीं पाया कि हमने पढ़ा कुछ और है दिख कुछ और रहा है। पढ़ा तो हमने था कि ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों का शासन है, लेकिन यहाँ तो लोगों पर शासन दिख रहा है। ये लोकतंत्र तो अब हमको नेता तंत्र लगता है, डीएम तंत्र लगता है। यही बात लोगों को समझानी जरूरी है कि ये लोग हमारे नौकर हैं, हम उनके नहीं। ये दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ये नाम के लिए डेमोक्रेसी है। तो अपने डेमोक्रेसी अपने में हक के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ते क्यों नहीं लोग? ये चुप क्यों बैठे? डेमोक्रेसी ये समझ में नहीं आता। डेमोक्रेसी नहीं है, डीएमक्रेसी बन चुका है, पीएमक्रेसी बन चुका है, सीएमक्रेसी बन चुका है ये। ऑटोक्रेसी बन चुका है, ऑटोक्रेटिक हाँ ऑटोक्रेसी बन चुका है ये। रूल है ये। तो हमको समाज के बीच में इन विषयों को लेके जाना है। समाज आज भी अभी पूरी तरीके से गुलाम नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता है। मेरी अगर सबसे ज्यादा किसी के प्रति आस्था है तो वो समाज के प्रति ही है, और समाज फिर से जागेगा वो अपने अधिकार। समाज जागेगा, समाज को थोड़ा सा झिंझोड़ना पड़ेगा। तो उसे क्या उसे है बताना ना, पड़े। आराम की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो जो जमाना था ना, जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, तब के जो बिल्कुल लोग थे ना, वो सही मायने में अपनी, मतलब उनको भी तो कितने 200 साल लग गए थे, 200 बिल्कुल, साल लग गए थे उनको भी लड़ने के लिए और सामने आने के बिल्कुल लिए और आवाज उठाने के लिए। ये एक लंबी लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात है आपको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा समाज को। हाँ, लेकिन आजकल के लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं, इतना अपने बारे में सोचते हैं, इतना अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचते हैं। तब तो लोग जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई में जब जाते थे, तो किसी को अपने परिवार की नहीं पड़ी होती थी, सर पे कफन बांध के निकलते थे, अच्छा किसी को अभी अपनी अभी जान की एक नहीं पड़ी होती थी। आज कौन करेगा ये सब? आप अभी मैं आपको बताता हूं मैम, अभी मैं एक और विषय आपको ऐड अप करना चाहूंगा। बक्सवाहा एक जगह है छतरपुर मध्य प्रदेश में, संभवतः आपको ध्यान में होगा बक्सवाहा। उसके अच्छा, 2.25 लाख, 2.25 लाख वृक्ष वहां पे काटे जा रहे हैं। काटे पूरा जा का रहे पूरा हैं जंगल जी, मध्य प्रदेश क्यों? गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तो वाह, परमिशन दे चुका है डायमंड, और किस नाम पे, आप सुनिए, आपको सुन के और रोना भी आएगा और हंसी भी आएगी, डायमंड एक्सट्रैक्शन के नाम पे।
इस जंगल में हीरा है तो जंगल को साफ किया जाए, पूरा का पूरा डिसगस्टिंग, जंगल साफ किया जाए। सीरियसली डिसगस्टिंग। मतलब जगह जगह पे सारे जंगल, अगर ये लोग, मैं कितनी बार, मैं जब भी कहीं गई हूं ना, जैसे मैं कभी केरला गई तो मैंने देखा वहां पे जंगल के बीच में वो पेड़ों की काटने की फैक्ट्री बनाई हुई है, मशीनें लगाई हुई हैं, और पेड़ काट काट के ट्रकों पे लाद के भेजे जा रहे हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, हर जगह हो रहा है। जहां पर भी आप हिमाचल चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, पेड़ कहाँ कहाँ से पानी रुकेगा या लैंड रुकेगी। और अब देखना, अगले जुलाई आ गया ना, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में, इतने जुलाई अगस्त में इतने लैंडस्लाइड्स होने वाले हैं। जुलाई में बिल्कुल और बिल्कुल अगस्त में इतने लैंडस्लाइड्स होंगे, इतने भूस्खलन जिसको कहते हैं, और बिल्कुल घर बिल्कुल टूटेंगे, क्योंकि लोग तो जगह जगह पे कहीं भी जमीन मिली अपने घर बनाकर बैठे हुए हैं। तो जब पेड़ ही बिल्कुल नहीं रहा वहां पे, मिट्टी ठहरेगी कैसे? और जब बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल धंसेगी तो नीचे के पत्थर भी हिलेंगे और पूरा पहाड़ टूटेगा। कितनी जानें बिल्कुल जाएंगी बिल्कुल उसकी वजह से, इनकी इस बेवकूफी की वजह से। कहां से रुकेगा पानी? मैंने वही कहा, मैं ये बात आपको फिर से एडअप करना चाहूंगा कि ये जो बात हमको बार बार बताई जाती है कि भारत स्वतंत्र हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम कितने वर्षों तक रहा? 200 वर्षों तक। स्वतंत्र हुए हमको कितने वर्ष में? 75 वर्ष। मैं 75 वर्ष मान के चलता हूं। अब आप एक कंपेरेटिव स्टडी कीजिए, 200 वर्षों में कितनी नदियां विलुप्त हुई, 75 वर्षों में कितनी नदियां विलुप्त हुई, 200 वर्षों में कितने पर्वत तोड़े गए, 75 वर्षों में कितने पर्वत तोड़े गए, 200 वर्षों में कितने जंगलों को नष्ट किया गया, 75 वर्षों में कितने जंगलों को नष्ट किया गया। प्रकृति के जो प्रशस्त मानबिंदु हैं, जो जिससे प्रकृति चलती है, वो ब्रिटिश तंत्र ने ज्यादा खत्म की या जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार? तो एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है या पेपर इंडिपेंडेंस है। बताओ जरा, हकीकत बताओ लोगों को, उनको पता चले। हकीकत यह है कि नहीं भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितनी नदियां विलुप्त हुई है उससे 10 गुना नदियां विलुप्त हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है। पथेटिक, एब्सोल्युटली पथेटिक। और ये लोग अपने आप को देश प्रेमी बोलते हैं, फिर कितने आप कौन देखिए पेट्रियोटिक हैं ये लोग? यहां पे मैम, डेवलपमेंट का मतलब केवल और केवल कॉन्क्रीटाइजेशन। कॉन्क्रीटाइजेशन को ही डेवलपमेंट बोल के, और प्रकृति के जितने भी प्रशस्त मानबिंदु हैं सबको खत्म कर दिया गया, केवल और केवल कॉर्पोरेट के एजेंडा पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। आफ्टर 1947 जल कैसे बेचा जाए, वायु कैसे बेची जाए, इसकी तैयारी हो रही है। कोविड कुछ नहीं है, मैं कोविड के बारे में कई बार कह चुका हूं, इट्स नॉट कोविड, इट्स कोविड कल्चर। एक पूरा कल्चर सेटअप किया जा रहा है, पूरा का पूरा कल्चर सेटअप कर दिया गया पिछले 2 सालों में कोविड के नाम पे, कि आपको घर में बिठा दिया गया है, आप घर से बाहर ना निकले, और घर के बाहर सारी चीजों पे अधिकार भारत सरकार का होगा, समाज का कुछ नहीं होगा, ये एक पूरी लूट चलेगी। तो इस प्रकार से किया जा रहा है, 20 सैलिनेशन संसाधनों की प्लांट्स क्या हैं? क्या? डीसैलिनेशन प्लांट्स, अमित, व्हाई डोंट यू जस्ट ज्वाइन एंड टॉक? समुन्दर के पानी का नमक निकाल के उस पानी को साफ करके इस्तेमाल करने वाली बात शायद होगी। मे बी, तो हमारे कहने का अर्थ यही है मैम कि इस देश में संवैधानिक तरीके से कुछ हो ही नहीं रहा है। संविधान को तो तार तार कर दिया गया है, बिल्कुल, लोकतंत्र को तो तार तार कर दिया गया, डेमोक्रेसी बची कहां है? लोगों के हाथ में है क्या? आप एक एक गांव के स्तर पे देखिए मैम, हमारे गांव जो थे वो स्वतंत्र इकाई थे, इंडिपेंडेंट यूनिट, जिसको मार्केट से कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं थी, सुबह से लेकर शाम तक की उसकी नीड गांव ही पूरी कर देता था। घर भी मिट्टी का बना लेगा वो, भोजन वो खेत से उगा लेगा, वस्त्र भी वो खेत से उगा लेगा। अभी देखिए,
घर भी उसको बनाना है तो सीमेंट उसको मार्केट से परचेज करना है। पूरी तरीके से मार्केट डिपेंडेंट सोसाइटी बनाने का काम चल रहा है कि कैसे मार्केट के अधीन कर दिया जाए, एक एक व्यक्ति को मार्केट के अधीन कैसे किया जाए, जल कैसे बेचा जाए, वायु कैसे बेचा जाए, पब्लिक को जगाया कैसे जाए संजीव जी? नहीं आप इसमें तो मैं अगर सही कहूं तो या तो अब तो सोशल मीडिया भी पूरी तरीके से बायस हो चुका है, यूट्यूब तो वीडियोस डिलीट कर देता है। मैं अपने जब पिछली बार पिछले हफ्ते हमने वीडियो किया था ना, उस मैंने सोचा उस वीडियो को कट करके मैं उसको अपलोड करूंगी, उसको डाउनलोड ही नहीं कर पा रही हूं मैं। नहीं, आपको तुरंत कोशिश कर ली, मैं डाउनलोड ही नहीं कर पा रही। आपको तुरंत ही डाउनलोड करना पड़ेगा और बहुत सारे चैनल से अपलोड तुरंत करना नहीं पड़ेगा। हो रहा, ना तुरंत हुआ ना अगले दिन हुआ, तीन दिन बाद ट्राई किया तब भी नहीं हुआ, दूसरे एप्स के थ्रू ट्राई किया वो भी नहीं हुआ, मैं डाउनलोड ही नहीं कर पा रही वीडियो। मैम स्थितियां यहाँ पे ये हो चुकी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। फेसबुक जो है, मैं अभी फेसबुक से ही बता रहा हूँ, फेसबुक का जो भारत सरकार की जो है, जो भारत सरकार और जो भारत में जो उसका सिस्टम है फेसबुक का, वो तो भारत सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं वो फेसबुक को गवर्न कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिख दीजिए, फेसबुक तुरंत आपको ब्लॉक कर देगा और 30 दिनों के लिए ब्लॉक कर देगा, क्योंकि फेसबुक के हेडक्वार्टर को, जो दिल्ली में जो उसका हेडक्वार्टर, उसको ऑपरेट करने वाले तो भारत सरकार के लोग बैठे हुए हैं। यूट्यूब का जो हेडक्वार्टर उसमें तो जो लोग बैठे हुए भारत सरकार के लोग हैं, आप सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि रोना आता है इस देश के ऊपर और देश के लोगों के ऊपर। सोने की चिड़िया को मिट्टी करके रख दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने किया क्या है, सरकार और राष्ट्र इन दोनों को एक दूसरे का पर्याय बना दिया है। ऐसा नहीं है, सरकार और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं, हमको ये समझना पड़ेगा। सरकार राष्ट्र नहीं है और राष्ट्र सरकार नहीं है, सरकार और राष्ट्र का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सरकार एक इकाई है जिसके ऊपर राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा तो ये जनता का नैतिक अधिकार है सरकार से पूछने का। एक मिनट अमित, व्हेन यू क्लिक देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ रिपोर्ट ब्लॉक एंड ऑल दैट, बट अबव आल्सो यू विल सी हाउ डू यू वांट टू जॉइन थ्रू फेसबुक और यूट्यूब। क्लिक ऑन यूट्यूब एंड यू विल कम ऑन बैक स्टेज एंड आई विल एड यू इन। हां जी जी तो इसमें मैं एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, नक्सलाइट्स, इस ये जो टर्मिनोलॉजी जो गढ़ी गई है नक्सलाइट, अभी हो क्या रहा है पूरे देश में, हर उस व्यक्ति को नक्सलाइट कह देना जो सरकार का विरोध करता है। जो सरकार का विरोध करे वो नक्सलाइट है, ये डिफाइन किया गया, ये नक्सलाइट की एक डेफिनेशन है। हु इज नक्सलाइट, हु अपोज गवर्नमेंट, बस यही इसकी डेफिनेशन है नक्सलाइट की। परेशानी ये है ना संजीव जी के सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। नहीं तो मैं यहां पे यही कहता हूं, इंसान को कुर्सी से निकालो, दूसरे को बिठाओ तो वो भी वैसा, तीसरे को बिठाओ वो भी वैसा, आप किसको निकालो और किसको बिठाओ? और जब बिठाने की बात आती है, जब वो क्या कहते हैं इलेक्शन होते हैं, तो उसके अंदर बैलेट बॉक्सेस में फ्रॉड होता है, मतलब वो बदल दिए जाते हैं या चीटिंग होती है, करे तो क्या करे इंसान। नहीं तो उसमें मैं यही बताना चाह रहा हूं, मैं अभी अभी नक्सलाइट्स वाली बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये जो नैरेटिव गढ़ा गया कि नक्सलाइट वो है जो गवर्नमेंट को अपोज करता है, ये एक्चुअल में नक्सलाइट को बचाने वाली थ्योरी है। क्या स्टोरी? ये एक्चुअल नक्सलाइट्स को बचाने का सिद्धांत है ये, कि एक्चुअल क्या? नक्सलाइट को कैसे बचाया जाए, ओ, उसको वो क्यों एक्चुअल, बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा नक्सलाइट वो नहीं है जो गवर्नमेंट का अपोज करता है, नक्सलाइट वास्तव में इस देश के शत्रु है, नक्सलाइट वास्तव में इस देश के शत्रु है। नक्सलाइट वो है जो केवल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, वो सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे।
वो केवल आपको प्रॉब्लम दिखाएंगे, यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, देश में गरीबी, ये फलान ढिकाना, और केवल वो प्रॉब्लम का पिक्चर दिखाएंगे आपको। सरकारों के विरुद्ध लोगों को भड़काएंगे। आपने कहा कि इसका सॉल्यूशन ये है कि ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और बिल्कुल, ग्राउंड टैंक वाटर लेवल बढ़ाने के लिए टैंक्स बनाए जाने चाहिए। बनाए जाए, हम तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो क्या जनता मिलके ऐसा नहीं कर सकती? बिल्कुल, ये अब आपने मुद्दे की बात कही। जनता, एक जो टैंक का बजट पूरा आ रहा है वो 20 करोड़ के आसपास का आ रहा है, अरे और जनता बाप, कितनी, हाँ, जनता ऐसे कितने टैंक्स बनाएगी? मान लिया एक जगह बना भी दिया, पूरे देश की 135 करोड़ लोगों के प्रति जो जवाबदेही है वो सरकार की है, वो संजीव तिवारी की नहीं है। मतलब आप कह रही हैं कि मैं वो करूं जो सरकार को करना चाहिए। मैं कहां कहां जाऊं, मैं तमिलनाडु जाऊं, मैं केरल जाऊं, मैं बिहार जाऊं, महाराष्ट्र जाऊं, हर जगह टंकियां बनवाने का काम करूं मैं कह रहा हूं यही काम तो गवर्नमेंट का है। फिर तो आपने वो कह दिया कि संजीव तिवारी यू आर अ गवर्नमेंट, और आप वो कीजिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। देन गवर्नमेंट इज फॉर व्हाट? अगर संजीव तिवारी गवर्नमेंट का काम कर रहा है, देन गवर्नमेंट इज फॉर व्हाट? घास छीलने के लिए बैठी एग्जैक्टली, है? आई अग्री विथ यू। लेकिन एक बात बताऊं आपको, हमारी जो देश की जनता है ना, वो इतनी ब्रेन वॉश हो चुकी है। पहले मुगलों का राज, फिर अंग्रेजों का राज, उसके बाद अब जब खुद अपने ही लोग हम पर राज कर रहे हैं, तो उन लोगों को ना लकीर के फकीर हो गए हैं हमारे देश के लोग। तो उनको बोलते रहेंगे ना तो उनके ऊपर असर नहीं होने वाला। हाँ, एक भी अगर ऐसा कुछ करके एग्जाम्पल दिया जाए, दिखाया जाए कि ये पॉसिबल है, तो हो सकता है कि लोग जागें और वो लोग साथ दें और वो अपने अपने स्टेट के गवर्नमेंट को बोले। मैं मानती हूं कि 20 करोड़ या जितना भी आप बोल रहे हो वो आपके बस की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट को करना है। लेकिन और ये काम भी मैं गवर्नमेंट, ये जो मॉड्यूल है, मैंने क्या कहा, टंकी बनानी है। अब टंकी के कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, टंकी का ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। हाँ हमारे यहाँ टंकियों में पेट्रोल को स्टोर किया जाता है या नहीं? अब एक ग्लास है, ग्लास में आप पानी को स्टोर करती हैं क्या? ग्लास में आप दूध को स्टोर नहीं कर सकती कर सकते हैं, क्या? ग्लास क्यों में नहीं आप कर चाय को सकते? स्टोर नहीं, क्या ग्लास में आप चाय को स्टोर बिल्कुल नहीं कर सकती? कोई कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। भी लिक्विड स्टोर कर सकती हैं क्या? ग्लास मना कर देगा? नहीं, मैं केवल पानी ही स्टोर करूंगा, चाय को स्टोर नहीं करूंगा। ये टंकियां पेट्रोल की अंडरग्राउंड बनी है ना? नहीं, टंकिया सरफेस से ऊपर ही है, नहीं, अंडरग्राउंड भी है। अंडरग्राउंड भी है, सरफेस से ऊपर भी है। दिल्ली में तो बड़ी बड़ी टंकियां हैं, पेट्रोल की टंकियां। तो मेरे अच्छा, कहने का अर्थ, हाँ, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिन टंकियों में पेट्रोल को स्टोर किया जा सकता है, उन टंकियों में वाटर को क्यों नहीं स्टोर किया जा सकता है? तो कौन किया सा जा सकता मॉड्यूल दें हम? कौन सा मॉड्यूल चाहिए आपको? मॉड्यूल तो उस चीज का दिया जाता है ना जो आपके पास विजिबल ना हो, जो आपने कभी देखा ना हो। सही बात टंकी तो आपके पास है, पंप आपके पास है, मोटर आपके पास है, आपको नदियों में उस मोटर को डालना है, टंकी टंकी बनानी है, पानी को स्टोर कर लेना है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, इसके लिए कौन सा मॉड्यूल देना? गॉड, दैट इज सो सिंपल। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। इंजीनियर्स इज फॉर वाटर, इसीलिए बैठे हैं ये वाटर इंजीनियर्स जो हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन ने भारत में नहीं भी, पूरे भारत में 50,000 से अधिक इंजीनियर्स अपॉइंट कर रखे हैं सेंट्रल वाटर कमीशन ने, सीडब्ल्यूसी ने। तो ये सीडब्ल्यूसी के जो इंजीनियर्स हैं, क्या कह रहे हैं? लाचार इंसान इस देश में हो गया है ना, और खुद को इतना लाचार महसूस करने लग गया है। तो ये सीडब्ल्यूसी के जो इंजीनियर्स हैं, इन सीडब्ल्यूसी के जो इंजीनियर्स हैं, इनको जो सैलरी दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है? ये भी एक लूट है। ये सैलरी के पैसे कहां से आते हैं? पब्लिक के टैक्स से, बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक और पूछेगी, उसके बिल्कुल। अलावा वो माफिया से भी पैसा खाते हैं। और पब्लिक को क्या मिलता है? तो बाढ़ में डूबे हुए घर,
बाढ़ में डूबने प्रतिवर्ष। वाले फिर भी आवाज तो नहीं उठाते, आप एक आप उठा रहे हो, आपका ग्रामोदय फाउंडेशन उठा रहा है, बाकी लोग कहाँ आवाज उठाते हैं कि हर साल हमारे गांव में बाढ़ आती है, इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? जाते हैं बिल्कुल रेफ्यूजी कैंप में बैठ के, वहां पे अपना जो पैसा मिलता है, अनाज मिलता है, लेके फिर नया घर बना लेते हैं। सीडब्ल्यूसी का जो स्टेटमेंट है, मैं पब्लिक नहीं करना चाहता हूं, उसके कुछ कारण है, नहीं तो मैं अभी उसका स्क्रीन भी शेयर कर सकता था, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। सीडब्ल्यूसी का ये स्टेटमेंट है कि हमको घर डुबाने के पैसे मिलते हैं, वाह, हमको हमको 5 करोड़ घर डुबाने के पैसे मिलते हैं, हम चाहते हैं 10 करोड़ घर डूबे। ओ वो कह रहे हैं हमको घर मन करता है इसको डुबाने। निचोड़ दे, उनका गर्दन पकड़ के ना। तो उनको घर डुबाने के पैसे मिल रहे हैं, उनका सीधा और स्पष्ट मत है बिल्कुल। वो कह रहे हैं सूखे से महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, हमको उसके पैसे मिल रहे हैं। लातूर के लोग मर रहे हैं, आप समझिए इस देश की व्यथा, आप समझिए कि लातूर जब सूखे से जूझ रहा होता है तो ट्रेन से पानी जाता है, बाढ़ का एक्सेस वाटर समुद्र में गिर रहा है, और एक जगह आपको वो भी ग्राउंड वाटर ट्रेन से उठा के आपको भेजना पड़ रहा है। इससे तो ज्यादा वो बीभत्स जो स्थिति बड़ी बड़ी टंकियों में जो पेट्रोल पूरा देश में ट्रेन से जाता है, या ग्राउंड वाटर ट्रेन से टंकियों में भर के भेजते हो, तो उससे अच्छा बारिश का पानी जमा बिल्कुल करके टंकियों में रख लो, ट्रेनों में, और भेजते रहो सब जगह। बिल्कुल, ये भी आप कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो इसमें भी अ सॉल्यूशन। तो इस पर वर्क आपने क्यों नहीं किया? तो कनाल ही बना लो ना, ताकि बड़ा बाढ़ आए ही नहीं, जहां पे सूखा पड़ता है वहां पे कनाल बना लो, नदी से मैम इस लेकर जहां पे पहले देश नदी हुआ करती थी। कुछ तो ऐसा करना चाहिए लोगों को। देखिए देखिए मैम, सबसे बड़ी बात क्या है, हमने क्या समझ लिया है, हमारी गलती क्या है, जनता की गलती क्या है। जनता समझती है कि सरकार जो कर रही है वो इंटेंशनली नहीं कर रही है, हम बाय डिफॉल्ट ऐसा मानते हैं, लेकिन मेरा मानना क्या है, सरकार जो भी करती है इंटेंशनली करती है। ये तो 40 लाख लोग मर रहे हैं, इट्स अ इंटेंशनल मर्डर। जो 40 लाख लोग जितनी नदियां हैं हिंदुस्तान जी में, क्या उनको जोड़ा नहीं जा सकता? नहीं, नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं, इट्स नॉट, हाँ ये भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं है, वो नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं है, उससे भी कुछ नहीं होगा। जोड़ने का तो मुझे समझ में नहीं आता, बाकी इतना समझ में आता है कि पंजाब का नाम पंजाब इसलिए पड़ा क्योंकि वहां 5 नदियां थी, जिसमें से मेरे ख्याल से 3 तो पाकिस्तान में चली गई, पांच लेकिन पांच नदी उनके सोर्स इंडिया में ही है। वो 5 नदियों का संगम है मैम, इसलिए उसको पंजाब कहते हैं, लेकिन नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो प्रैक्टिकल नहीं है। उस पर एक आप और बड़ा बजट लगाएंगे, बहुत ही वो ट्रिलियंस डॉलर का अगर प्रोजेक्ट है वो पूरा। प्रैक्टिकल नहीं भी है, तो कम से कम आज जो यमुना सूखी पड़ी है, सरस्वती का नामो निशान नहीं रहा, वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि वो फिर से भर जाए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, समुद्र में जाने वाला जो जल है बस आप उसको स्टोर कर लेना है, डाइवर्ट करना है, एग्जैक्टली मैं बस वही तो कह रही हूं, डाइवर्ट करना है, बस पर उसके ऊपर तो लोग घर बनाए बैठे हैं। ग्राउंड वाटर फिर से रिवाइव हो जाएगा। जो सरस्वती नदी विलुप्त हुई, सरस्वती नदी क्यों विलुप्त हुई, क्योंकि भूजल का दोहन बहुत ज्यादा हो गया था, भूजल हमने नीचे से इतना खींच लिया था कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। अरे सरस्वती नदी तो किसी ने देखा नहीं है, पर मैं तो 2008 की बात बता रहा हूं, 2008 में हमारे गांव में स्याही नदी बहती थी, आज वो स्याही नदी खत्म हो गई है मात्र 12 वर्षों में। सरस्वती नदी को खत्म हुए तो नहीं भी तो कितने वर्ष हो गए, लेकिन 12 वर्षों में छोटी छोटी नदियां खत्म हो जाती हैं, तालाब खत्म हो जाते हैं, तालाब को प्लास्टिक का ढेर बना दिया जाता है, पोखरों को प्लास्टिक का ढेर बना दिया जाता है, कुएं को प्लास्टिक का ढेर बना दिया जाता है। इसके लिए सरकार की नीतियां नहीं तो कौन दोषी है? लेकिन यहां स्थिति यह है कि आप अगर सरकार का विरोध कर दें तो आपको कांग्रेसी बोल दिया जाएगा, कम्युनिस्ट बोल दिया जाएगा, नक्सलाइट बोल दिया जाएगा। प्रॉब्लम यहां यह है,
कि सरकार को अपना विरोध स्वीकार्य नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती अपना विरोध, और विरोध वही एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जो गलत होता है, वो गलत है इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आपने ये सब बातें ट्विटर के ऊपर शेयर की हैं, की होंगी? नहीं, मैंने अब शेयर करना बंद कर दिया है, क्यों? क्योंकि अब आईडीज को ब्लॉक कर दिया जाता है 30-30 दिनों के लिए। हम लोग 30 दिन अब सोशल मीडिया भी हम लोग यूज ना कर पाए, इसलिए हम लोग स्लोली काम करते हैं। ये तो बहुत अजीब सा तरीका हो गया ना, कि आप अगर पब्लिकली किसी भी चीज को लिख दो तो उसको कॉन्ट्रावर्सियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट, योर मैसेज इज वायलेंट, पता नहीं क्या क्या लिख दिया जाता है। कम्युनिटी, एक नया टर्म गढ़ दिया गया है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड। अब ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या है, तो मुझे बाद में यही समझ में आया कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड वही है जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स को फॉलो करे, जो उस पैरामीटर पे खरा नहीं उतर रहा है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड बोल दिया फेसबुक ने, 30 दिन के लिए बैठे रही है। तो इसलिए अब तो हमने यूट्यूब की स्थिति, यूट्यूब तो जानबूझ के रीच आप भी कम कर देता है, जिस वीडियो की व्यू 1,000, 2,000, 3,000 तक वीडियो की हो जाती है। एक बहुत साल पहले, बहुत सालों पहले की बात कर रही हूँ, हो गए होंगे 10-12 साल 15 साल, तो एक इंसान से मेरी मुलाकात हुई थी, पता नहीं किस सिलसिले में हुई थी ये तो मुझे भी याद नहीं, और वो मेरे पास ये बोलकर आए थे कि मैंने डीसैलिनेशन प्लांट, जिसकी तुम बात कर रहे हो अमित, वो तैयार किया है, और इंडिया की जितनी कोस्ट लाइन है वहां पे मैं समुन्द्र का पानी साफ करके, फिल्टर करके पीने लायक, मैं मतलब यहां तक मैं कर चुका हूँ एक्सपेरिमेंट कि वो आप पी सकते हो, और मैं गवर्नमेंट के पास बार बार इस प्रोजेक्ट को लेकर गया हूं, पर मेरे को कोई घास भी नहीं डालता। वो मुझे जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मुझे जैसे राजस्थान सूखा पड़ा है या महाराष्ट्र में कई जगह पे सूखा आता है या मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर है, तो इसके लिए मुझे जो फंडिंग की जरूरत है और गवर्नमेंट के हेल्प की जरूरत है वो देने को तैयार ही नहीं है। ये तब बोला था उसने मुझे, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक उनका अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो समुद्र का पानी हम पियेंगे ऐसी कल्पना ही नहीं थी, पर जरूरत ही नहीं है। जब इतना पानी है, नदियां हैं, तो फिर हमें जरूरत क्या है सब करने की? अगर इन्हीं को ठीक से हैंडल किया जाए, एक तो एक वो गंगा है उसको इतना गंदा कर रखा है कि पूछो कुछ मत। वो तो प्लानिंग के तहत गंदा किया गया है, वो तो पूरी प्लानिंग के तहत गंदा किया गया है। मतलब ये जरा दोबारा कहना, पूरी प्लानिंग के तहत गंगा को गंदा किया गया है। ऐसा क्यों? गंगा का जल अगर दूषित हो गया तभी तो हम जल को फिल्टर करके बेचेंगे, इसकी कहानी तो घंटे से नहीं चल रही है कि व्यापार कैसे होगा जल का। रेन वाटर जब एसिडिक होगा तो फिर हम जल को बेचेंगे, भूजल को बेचेंगे, मतलब पूरी तरीके से इसको गंदा कर दो, उसको गंदा कर दो और फिर बेचो। गंदी चीजें ही फिल्टर होती हैं, फिल्ट्रेशन के नाम पे इतनी बड़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, आरओ इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री, 50 तरह की इंडस्ट्रीज हैं, इनकी दुकानदारी कैसी चलेगी? इनकी दुकानदारी तो तभी चलेगी ना जब गंगा के वाटर को फिल्टर करना होगा। सही बात है। तो ये सारी कंपनियां सरकारों को पैसे खिलाती हैं, नाश कर दिए हिंदुस्तान का। ये आप गंगा को दूषित कीजिए फिर हम अपना माल बेचेंगे। पर अमेरिका इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं होता, यूरोप में तो वहां पे तो आप नल खोलो और वो पानी पीने लायक होता है, इतना साफ होता है। कहने का अर्थ ये है कि देखिए उन लोगों ने खराब वही कर रहे हैं सिस्टम को, अपने लिए सब कुछ ठीक करके वो चीजों को, उनकी साथ उनको कोई दिक्कत नहीं है। जय शिंदे, योर डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, इट इज शोइंग। अमित, अगर ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते थे। हाय आयुषी। हाय मैम। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मैम, आई थॉट यू विल बी डूइंग टैरट, सो यू विल नॉट बी। आफ्टर दिस आई विल एंड दिस सेशन एंड ऑन माय अदर चैनल आई विल बी डूइंग टैरो। ओके ओके, श्योर, सो देन आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, ओके, देन यू कैन लीव। तो
ये समझना पड़ेगा, ये गंगा को दूषित करना ये प्लानिंग है। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट था, जो पूरा जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, वो तो 60 से 65 हजार करोड़ की एक लूट थी। हमारा कहना ये है कि सबसे पहले गंगा की जो अविरल धारा है, गंगा की अविरलता को आप अविरुद्ध मत कीजिए, उसको मत रोकिए। जो डैम आपने बनाए भारत में, जो 6,000 डैम आपने बनाए, ये क्या था? ये केवल लूट था। एक डैम का जो एवरेज डायमेंशन होता है, मैम मैं आपको बता दूं, एक डैम का जो एवरेज डायमेंशन होता है, दैट इज फ्रॉम 5,000 किलोमीटर स्क्वायर टू 9,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब 5,000 किलोमीटर स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 70 से 80 किलोमीटर हो जाता है, यानी 70 बाई 70 किलोमीटर का एरिया। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं मैं? और 9,000 अगर करेंगे तो ये लगभग हो जाता है 90 किलोमीटर। तो मतलब 70 बाई 70 से लेकर 90 बाई 90, इतने एरिया को डैम के नाम पे ऑक्यूपाई करके और वहां के सारे वृक्षों को काट दिया जाता है। वृक्षों को काट दिया, घरों को उजाड़ दिया, गांव के गांव उजाड़ दिए, खेत उजाड़ दिए। कम से कम एक डैम के नाम पे मिनिमम 10 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। पर क्या डैम बनाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डैम किस लिए बनाना? पानी को डैम किस कंट्रोल लिए बनाना? करने के लिए, जमा करने तो के लिए। पानी को कंट्रोल करने के लिए तो हम टैंक की टेक्नोलॉजी आपको दे ही रहे हैं। टैंकों में स्टोर कीजिए ना, कितने टैंकों में इसको स्टोर कर लेंगे और वो टैंक को कहाँ रखेंगे? 1.5 लाख टंकी पूरे भारत में, 1.5 लाख टंकी बहुत हो जाएगी। पर्याप्त है। ओके, और हर स्टेट में कितनी रखनी होगी? वो कैलकुलेटिव है पूरा। 1.5 लाख टंकियां, एक टंकी का जो डायमेंशन होगा वो 200 बाई 200 इंटू 50 होगा। दूसरा जो डैम का तर्क दिया जाता हूं, मैं क्लियर कर दे रहा हूं अगर हमारे दर्शक सुन रहे होंगे तो, इलेक्ट्रिसिटी, फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी क्रिएट करने का श्याम सुंदर राठी जी ने एक नया टेक्निक दिया हुआ है। विदाउट डैम इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे यहाँ प्रिपेयर हो सकती है, क्योंकि आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो फ्रॉम एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर की एनर्जी को कन्वर्ट करके ही। जो मूविंग वाटर, हाँ जो मूविंग वाटर है, जो चलता हुआ पानी है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज 1/2 mv², उसको कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करके बनाना है, क्योंकि और उसकी स्पीड को इंक्रीज करने का वो राठी जी ने पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया, उसी पे वो बुक है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा साइंस। तो डैम की कहीं से कोई न्यू उम्र नहीं, कॉन्सेप्ट मेगा साइंस, अच्छा न्यू हाँ, वो तो एनी पहले बताया आपने। हाँ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा साइंस, वो आपको फ्लिपकार्ट एमेजन पे दिख जाएगा, वो बुक है, फिफ्टीन ओके, हंड्रेड की बुक है वो। दैट इज ओनली फॉर, वो मास के लिए बुक नहीं लिखी गई है, ओनली फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए वो बुक लिखी गई है। मास के लिए नहीं, उसकी जो प्रतियां वो लिमिटेड है। हमारे कहने का अर्थ ये है कि डैम की कोई आवश्यकता नहीं है, डैम की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। डैम इज द रूट कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि आपने 200 शहरों को डेवलप करने में, 200 बड़े शहरों को डेवलप करने में आपने जितने पेड़ नहीं काटे हैं, आपने उतने पेड़ केवल 3 डैम्स को डेवलप करने में काटे। ओ जी हाँ, तो सबसे बड़ा तो शत्रु आपका डैम है। वेल, आई डोंट नो डैम शत्रु है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस बात से मैं टोटली अग्री करती हूँ कि वाटर कमीशन जो है उनको ये बाढ़ के बारे में और सूखे के बारे में करना चाहिए कुछ। इनको वो नेचुरल धरती के ऊपर ओपन कनाल्स बनाने चाहिए और डेफिनेटली इस पानी को चैनलाइज करके स्टोर करना चाहिए सही तरीके से। और जी अगर इन्होंने ये इतना भी करना शुरू कर दिया, मैं कहती हूँ चलो आपने टैंकी बनाई नहीं बनाई, इतना तो करना शुरू करो कम से कम, जो बाढ़ में लाखों लोग मर रहे हैं। पर अगर उनका एजेंडा ही है लोगों को मारना, तो फिर वो क्यों करेंगे? और उनको इतना पैसा मिल रहा है तो मैं वही अपना पूरा विषय स्पष्ट कर चुका हूं मैं, कि उनका सेवा उनका एजेंडा नहीं है। सेवा के लिए बनी थी ये संस्थाएं, सेंट्रल वाटर कमीशन वगैरह, लेकिन अब उनका एजेंडा है रिवेन्यू जनरेट करना। जो मनी मेंटेलिटी है ये अल्ट्रा मनी मेंटेलिटी, पैसे के लिए कुछ भी करना,
लोग मरे उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा आना चाहिए। घर डूबे, एक घर डूबने पे ये भी 5, तो है कि अगर वाटर कमीशन पे जो चेयरमैन बैठा है अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो माफिया जो दुनिया भर की वही उसको मार देगी, हाँ तो पॉलिटिशियंस जीने नहीं देंगे, क्योंकि उसका हिस्सा तो पॉलिटिशियंस के पास भी जाता होगा ना। फिर मैं ये मानता हूं कि वो डर गया, ये माने ना वो कि वो डर गया। फिर ये जो ईमानदारी का जो चोला है, ये जो कि हम इतने निष्ठावान हैं अपने कार्य के प्रति, हम इतने निष्ठावान हैं, फिर ये नौटंकी किस लिए? फिर वो मान ले ना कि हम डर गए। अरे एक्सपोज कर दे उनको, डरने की भी क्या जरूरत है, आज सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, एक्सपोज कर दो, एक वीडियो बना के सब सब जगह फैला दो, व्हाट्सएप पे फैला दो या यूट्यूब पे फैला दो, ये आजकल तो लोग इतना आसान हो गया है लोगों को एक्सपोज करना कि ऐसा अगर नहीं, अगर डरे हुए हैं, लेकिन अगर डरने के साथ में हाँ उनको पैसे का लालच है तो फिर वो क्यों एक्सपोज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो आप हमें ये बताइए कि हम जनता आपकी इस मामले में क्या हेल्प कर सकते हैं। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं, जो आपने अभी कहा हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। हम इस पे एक अभियान खड़ा करने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों में। अगले, अगले कुछ दिनों में हम एक अभियान खड़ा करेंगे आंदोलन के रूप में। हाँ, अच्छा जो दिल्ली, जो हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि पहले दिल्ली से स्टार्ट हो, फिर दिल्ली के बाद पटना, पटना के बाद फिर दूसरे स्टेट्स, और ऐसे करके। तो हम दिल्ली से इनिशिएट कर रहे हैं, और पहले हम, अगर हमारे पास लोग नहीं होंगे तो हम अकेले ही खड़े होंगे। आप आएंगे तो आपके साथ, आप नहीं आएंगे तो आपके बिना। आंदोलन तो हम करेंगे, तो दो लोग चार लोग इकट्ठे होंगे, हम बैनर्स लेंगे, बैनर तैयार करेंगे, हम दिल्ली के नाट प्लेस में हो गया या फिर इंडिया गेट हो गया, वहां हम खड़े हो जाएंगे और हम अपील करेंगे जनता। क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन, जी उनसे अगर इस बारे में रिक्वेस्ट किया जाए हेल्प करने के लिए तो क्या वो मदद करेंगे, क्योंकि ये तो ह्यूमन राइट्स ही हुआ ना, ह्यूमन राइट्स जो एजेंडा हुआ ना ये तो। जो ह्यूमन राइट कमीशन है, मैं जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ये भी बिकी हुई संस्था है, ये भी वही है। ह्यूमन राइट का ह्यूमन से कोई लेना देना नहीं है, इन ह्यूमन राइट है वो ह्यूमन एक राइट है। काम करना चाहिए, फिर मैं आपको एक सही बात बोलूं, जी सही जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इस वक्त पानी के लिए लड़ना, जस्टिस के लिए लड़ना, फ्रीडम के लिए लड़ना, लॉकडाउन के लिए लड़ना, ये सब लड़ना छोड़ो और आजादी की लड़ाई लड़ो एक बार फिर, और इन सब कमीनों को उठा के काट के फेंको समुंदर में। मैं सही बता रही हूं, इस वक्त बिल्कुल हमें बिल्कुल जो करने की जरूरत है वो आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, इस सारे माफिया को उठा के काट के फेंकने की जरूरत है, उनको इस बिल्कुल बिल्कुल देश से उनकी जड़ उखाड़ने की जरूरत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको तो आपके फाउंडेशन को फंडिंग कहां से मिलती है? नहीं, फाउंडेशन की फंडिंग क्या, समाज जो सहयोग करता है, जो छोटे छोटे लोग हैं उन्हीं से सहयोग मिलता है, जितना अपने से हो पाता है। तो आपको अगर कि कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो कैसे आपको कांटेक्ट करे या कैसे? ग्राम उदय फाउंडेशन है, इसका बैंक अकाउंट है, आईएफएससी कोड है, सब कुछ है। और ग्राम उदय फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार द्वारा ही रजिस्टर्ड है। कोई गूगल पे या पेटीएम नंबर नहीं है? हाँ, गूगल पे पेटीएम नंबर भी है, तो गूगल पे का क्या है बताइए मुझे, 8920। गूगल, एक मिनट हाँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पे 89, हाँ 197 197 333 222, और पेटीएम का, ट्रिपल थ्री। ओ सॉरी हाइट, सॉरी सॉरी वन सेक, गूगल पे 8922 01 ट्रिपल थ्री 97 001 97 333, हाँ ओके 8920197333। हाँ मैं लाइव पे हूँ, बाद में करती हूँ। और आपका पेटीएम का नंबर 8920197333 सेम। सेम, हाँ, फोन पे भी सेम है। ओके ठीक है। बैंक
हाँ मैं आपको अगर हो सके तो एक स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ जिसपे सारी चीजें हैं। हाँ कर दीजिए। हाँ रुक जाइए, ओके। India needs to fight for freedom once again. But I don't know why people of India don't realize that. मेरे सब my close friends, my family, they keep telling me not to do these shows. हाँ जी जी मैम, स्क्रीन शेयर शेयर करने का मैं कर देख रहा हूँ कहाँ पे ये शेयर होगा। कैम स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, मैम वही है वो सफिशियंट अभी मुझे। कोई जी बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बाद में इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देना। हाँ जी जी आपने कभी पॉलिटिक्स में खड़े होने के बारे में नहीं सोचा? देखिए मैम, यहां तो क्या है, सरकार का विरोध करते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि ही इज पॉलिटिकल। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे अमित कह रहा है और मैं उसकी बात से अग्री करती हूँ कि अगर सिस्टम को बदलना है तो आपको सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। तो अगर आपको देखिए इस बारे में कुछ करना है तो आपको सिस्टम बट में घुसना पड़ेगा। ये बात इनकी सही है, हमारे हमें अपने लोगों को सिस्टम में बिठाना पड़ेगा, पर कुछ लोगों को सिस्टम से बाहर भी रहना पड़ेगा, सारे लोग सिस्टम के पास नहीं होते। जय पूछ रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्या ये लोग आपके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं या वाटर कमीशन आपकी बात नहीं मान रही है? वाटर कमीशन हमारी बात नहीं मान रही है, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही है, सेंट्रल वाटर मिनिस्टर हमारी बात नहीं मान रहे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व्यवस्था और पब्लिक का में कितना जो सपोर्ट है आपको? पब्लिक का अच्छा सपोर्ट है, पब्लिक का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर हमारे साथ कोई है तो इस देश की जनता है। आईआईटी के स्टूडेंट हैं, आईआईएम के स्टूडेंट हैं, आईआईएससी बेंगलोर के स्टूडेंट हैं, और बिहार के गांव गांव के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, डीयू के तो इन प्रोफेसर हैं। सबको लेकर आप मोर्चा क्यों नहीं करते हो? ना अनामिका, ये तो उसी डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड। उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक पब्लिक मूवमेंट खड़ा किया जाए, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए आप लोगों से मेरे बार बार ख्याल से कम्युनिकेट। आपको ये करना चाहिए कि हर स्टेट के फार्मर्स जो हैं उनको साथ में लेना चाहिए, जो गांव डूब जाते हैं उन गांव के लोगों को लेना चाहिए साथ में। उन गांव के लोगों से हम बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरा जाना भी हो रहा है, और वहां के लोगों से मैं बार बार हर जिले में एक एक व्यक्ति को मैं अपॉइंट कर रहा हूँ जो वहां के लोगों से कम्युनिकेट करे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हमने अपॉइंट किया हुआ है, वर्धा में अपॉइंट किया हुआ है, नागपुर में अपॉइंट किया हुआ है, बिहार के 10-12 जिले में हमारे कुछ लोग हैं, तो ऐसे लोग काम कर रहे हैं धीरे धीरे। ये एक लंबी प्रक्रिया है मैम, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें थोड़ा हाँ समय नहीं, लगता है। बिल्कुल भी नहीं। तो आप कब कितने सालों से कर रहे हैं ये सब? ये अनामिका, काम ये करते हैं, डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड। कब से ये कर काम रहे हैं? राठी जी को करते हुए तो 7 वर्ष हो गए, श्याम सुंदर राठी जो वैज्ञानिक हैं, हाँ मैं उनके साथ पिछले 3 महीने से जुड़ा हूं, और बाकी विषयों पे मुझे काम करते हुए 7 साल हो गए ना, इससे पहले और भी बहुत सारे विषयों पे काम कर चुका हूं। बाकी कौन से विषय? बाकी विषय यही है जो डेवलपमेंट के नाम पे जो नेचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर, तो मतलब काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, वृक्षों का काटा जाना, रोड बनाने के नाम पे, पर्वतों का तोड़ा जाना, डैम कंस्ट्रक्शन के नाम पे पेड़ों का काटना, इन सब पे तो मैं पिछले 7-8 सालों से काम कर ही रहा हूं। अच्छा, हाँ कि एक डेवलपमेंट का झूठा मॉडल दिखा के और सबसे पहले जो है हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है।
पेड़ों का काटना तो बहुत गलत है, ये तो जो जितना हो रहा है हिंदुस्तान में और बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, जी तो ये इसके खिलाफ तो जरूर पब्लिक को आवाज उठानी चाहिए। पानी और पेड़ दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से अलग पेड़ नहीं है। जो रेती की मिट्टी जो इस तरह बेची जाती है इतने महंगे दामों में ट्रक भर भर के, गलत बिल्कुल बिल्कुल है। मैम, पेड़ की जरूरत पानी है और पानी की जरूरत पेड़ है, हमको ये समझना पड़ेगा। राइट तो यही तो हमको स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उल्टा कर रही है। पेड़ की जरूरत पानी और पानी की जरूरत पेड़। आप कुछ ढूंढ रहे हो? जी वही ढूंढ रहा था कि वो कैसे स्क्रीन शेयर हो जाता तो फिर वो यहां आ जाता, बस मैं वही देख रहा था, वही देख खैर रहा था ठीक है, आप वो। कुछ और कहना चाहते हैं इस विषय में या फिर सेशन को खत्म करें? नहीं, अब आप कंप्लीट कर सकते हैं, बस एक चीज जो है उसको मैं शेयर जी कर देता हूं। हाँ ओके मैम, ठीक जी हो ठीक नहीं गया, है। हाँ अब हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक ओके ठीक है, थैंक ठीक यू सो मच। अगर मैं इसे डाउनलोड कर सकी, आप भी कोशिश करना कि इमिजिएटली जैसे ये खत्म होता है इसे आप डाउनलोड कर लो। अगर मैं डाउनलोड कर सकी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी का लिंक मैम, शेयर करूंगी। या मैम एक एक काम, अगर आप कर सके, अगर आप कर सके तो मैं आपको भेजता हूं। क्या? आपका व्हाट्सएप ओपन है मैम? हाँ हाँ रुकिए मैम रुकिए, क्योंकि मुझे शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूं या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ये जो आपको व्हाट्सएप गया है इसको स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए बस। ये जो मेरे व्हाट्सएप पे आया है उसे स्क्रीन पे शेयर करूं? जी, अगर वो पॉसिबल है मुझे तो। आया नहीं अभी तक, मेरा व्हाट्सएप व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं गया बता रहा। हाँ आ गया, एक मिनट, उसे आप स्क्रीन पे इसे शेयर कर सकते हो, शेयर आप ही करूं? कर। हाँ आप शेयर कर ठीक दीजिए, बस यही मैं करना चाहता था, आप कर दीजिए। है ठीक है, मैं करती हूँ, एक मिनट। वन सेकेंड, आई विल शेयर दिस। दिख रहा है? नहीं, यस मैम नजर आ रहा है? बिल्कुल 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 ओके। समृद्ध भारत के लिए आर्थिक अनुदान, देश के 5 करोड़ घरों को बाढ़ की चपेट से मुक्त करना, राष्ट्र की 50 लाख करोड़ की संपत्ति बचाना, प्रदूषण एवं विषाक्त जल के उपयोग से 40 लाख भारतीयों का जीवन बचाना हमारा लक्ष्य है। सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक श्याम सुंदर राठी जी के मार्गदर्शन में ग्राम उद्योग उदय फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे महाअभियान और इस लक्ष्य को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर अभियान को सशक्त करें। यूनिवर्सल ओके, श्याम सुंदर राठी, दैट सूरज झा, आप दिल्ली गवर्नमेंट एमएलए रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग सब आपके समर्थक हैं, जुड़े जी जी हुए जी जी हैं। ऐसे बहुत सारे बैंक थे। जी सोशल एक्टिविस्ट गोपाल झा, आशीष तिवारी, प्रेम प्रकाश पांडे, संजीव तिवारी, अकाउंट नेम ग्राम ग्रामोदय फाउंडेशन। ठीक है,
जी अभी हम समाप्त कर सकते हैं। जी कर रही हूं। राइट आई डिड जूम। जी आपका लोगों के लिए कोई मैसेज है? मैसेज मेरा लोगों से यही है कि लोग सरकार का विरोध करने का साहस पहले अपने अंदर क्रिएट करें। सबसे सबसे पहला मेरा मैसेज यही है। और सरकार का विरोध देशद्रोह नहीं है, पहले ये क्लियर हो जाए। सरकार लोगों द्रोह के और अंदर थोड़ा देशद्रोह, सा ब्लड पंप करने की जरूरत हाँ, है। सरकार द्रोह और देशद्रोह में अंतर होता है। और सरकार प्रेम जो है वो देश प्रेम नहीं होता है। राइट, परफेक्ट। ये उसे इतनी सी बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? ये बस टाइटल बस होना चाहिए। बिल्कुल। सरकार सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है देश को चलाना। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रही है तो हम प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न पूछने को आप विरोध ना समझें। केस में तो ये सरकार भी नहीं है, ये तो वाटर कमीशन, ना तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है ना सरकार से जुड़ा हुआ है, ये इंडिपेंडेंट देखिए, बॉडी है और हमें पूरा मैंने हक वही कहा पहुंचता है उस बॉडी को क्वेश्चन करने का कि ये सब क्यों कर रहा है। ऑन ऑन पेपर इट इज इंडिपेंडेंट, दे तो फिर बट इन फैक्ट इट्स अ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंडेंट ऑन द माफिया। डिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, भारत सरकार। गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट वो ऑन हिम, जो उससे अगर पैसे बैठती होगी। बिल्कुल, तो ये सब डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, लेकिन ऑन पेपर जो हमको बचपन से पढ़ाया गया है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को मैं इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं बोलती, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को मैं डिसेबल्ड बोलती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हैंडीकैप्ट बिल्कुल बोलती हूँ। ये लोग बिल्कुल बिल्कुल हैंडीकैप्ड हैं, ये लोग बिल्कुल नामर्द हैं, ये लोग बिल्कुल चूड़ियां पहनने के भी लायक नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल औरतें जो बिल्कुल चूड़ियां पहनती हैं उनसे ज्यादा दम है हम लोगों में, उनसे ज्यादा ये सबसे देशभक्ति है हम लोगों में। पहले एक एक मैसेज मैं और देना चाहूंगा। मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, जो हमारा जो लोग सुन रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ये सब, इनके प्रति जो एक स्टेटस सिंबल क्रिएट हुआ है, ये हमको खत्म करना पड़ेगा। दोबारा हम कहना। जो स्टेटस सिंबल बन गया है डीएम के प्रति, एसपी के प्रति, आईएएस के प्रति, आईपीएस के प्रति, ये स्टेटस सिंबल पूरी तरीके से खत्म हो, पहले दिमाग से खत्म राइट, हो। इनको हमको ये समझ में आना चाहिए कि डीएम ऑफिस में घुसने के लिए हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यू आर जस्ट एजेंट ऑफ माफिया। आप एजेंट हैं बालू खनन माफिया के, रेत माफिया के। आप लोग उनका कमीशन खा रहे हैं। जनता पर आपका हमारे गला कभी, नौकर हैं, हाँ, हमारे जनता आपको, नौकर हमारे नौकर हैं, जनता आपका गला कभी भी पकड़ सकती है। तो हमको तो हैं। बचपन हम से ये टैक्स बात देते कराते हैं तो उनको तनख्वाह मिलती है। इसमें हमारे पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है, जिन्होंने हमें बचपन से पढ़ा दिया कि बच्चे आईएएस बनो, ये बनो, वो बनो, और जाके लूटो। परफेक्ट, और बिल्कुल हमको, और मतलब देखिए कि करप्शन पे बड़ा बड़ा ऐसे लिख के, और ये लोग आपको पता है कि आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में ऊपर की पदवियों के लिए, पोस्ट के लिए उन्हें लाखों करोड़ों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, तब उनको वो पदवी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल लोन फैक्ट उठा के और माफिया के साथ हाथ मिला के पैसे जमा करके ये बड़ी बड़ी पदवियां मिलती हैं इन लोगों को, अपने बिल्कुल बिल्कुल मेडल के उसके ऊपर नहीं मिलती। क्या आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया तो आपको वो पदवी मिल गई? पैसे का बिल्कुल। खेल है सारा। जितने आईएएस ऑफिसर हैं वो लोग रिश्वत दे के वहां तक पहुंचे हैं। दूसरा विषय, लोकतंत्र को सही मायने में स्थापित करना, सही मायने में लोगों का शासन कैसे स्थापित हो इस पे काम करना। कैसे स्थापित हो? सबसे पहले तो जो अंग्रेज कानून बना के चले गए हैं, पहले तो वो सारे कानून बदलने चाहिए। अंग्रेजों के टाइम के कानून बने हुए हैं, बहुत सारे वो कानून तो सरकार तब की के जिम्मेदारी हैं है, उसके लिए लोग जो जिस वो उन कानूनों ने हम लोगों बहुत को गवर्नमेंट का गुलाम बना के रखा हुआ है।
ठीक है, थैंक यू सो मच, आई रियली मैं लव फिर दिस से कह सेशन। रहा और जी मुझे हूँ। मैं एक हफ्ते से थोड़ा बिजी थी, तो आपका जो लास्ट वीक करना था वो डिले हो गया, आई परफेक्ट एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन डेफिनेटली यू आर ऑन माय माइंड, और आपने जो परफेक्ट बातें बोली थी उन्होंने मेरे अंदर एक बत्ती जला दी थी, और मैं और ज्यादा जानना चाहती थी इस बारे में, और ये सेशन बनता था, बहुत जरूरी था। बिल्कुल और आगे भी कभी बिल्कुल अगर कुछ ऐसा हुआ आप सेशन करना चाहें तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग दोबारा करेंगे। तो मैं बिल्कुल कोशिश नॉट करूंगी प्रॉब्लम, कि बिल्कुल वीडियो को जितना ही हो सके मैं शेयर कर सकूं, और मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जितना हो सके ये वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए हर इंसान के साथ। बिल्कुल तो थैंक बिल्कुल। यू सो मच मैं संजीव इसमें आपसे भाई। यही कहूंगा, आपके जितने भी चैनल्स हैं, आपके जी जितने भी चैनल्स हैं, जो गिन्नी अनेजा जो करके चैनल था उस पे भी आप अपलोड कीजिए, अधिक से अधिक चैनल्स पे अपलोड कीजिए, क्योंकि मैं मैं उस जहां तक चैनल समझ पा रहा पे, हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, क्या उस चैनल पे हम लोग एक बार और फ्रेश इंटरव्यू कर सकते हैं? इंग्लिश में क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में तो हो हाँ गया, इंग्लिश में भी हम कर सकते, हाँ इंग्लिश में भी, लेकिन ये मेरी बहुत इंग्लिश सारे इतनी लोग ऐसे। फ्लुएंट नहीं। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आधे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ हिंदी बोलो, और आधे लोग मुझसे बोलते हैं कि इंग्लिश बोलो, हमें हिंदी नहीं आती, क्योंकि नहीं बहुत सारे नहीं लोग बाहर से भी हैं उस वाले चैनल पे। तो मैं बुरी फंसती हूँ। तो हाँ, तो अगर नहीं हम उसको चीज है, ये लेकिन उसमें मैं दोबारा बहुत कर सकते हैं इंग्लिश में गिनी अनेजा चैनल पे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं बहुत ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश तो नहीं बोल पाऊंगा ये, बात नहीं, आप मैं हिंदी में बोलना, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगी। बिल्कुल मैं यूज करूंगा, जो टर्म्स मैं यूज करूंगा टर्म्स इंग्लिश में होंगे, ऐसा मैं प्रयास हाँ करूंगा। ठीक है, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। जब पॉसिबल हुआ मैं आपको एक दिन पहले या सुबह बता दूंगी कि आज करते हैं, बिल्कुल या बिल्कुल एक दिन पहले बता दूंगी। राइट, स्टार्ट बिल्कुल डिबेट्स इन फ्रेंच। करेंगे दोबारा, उस चैनल पर भी करेंगे। मीनवाइल बिल्कुल थैंक यू सो मच, और मैं चाहती हूँ कि पूरा देश जागे, थोड़ा सा उन लोगों के अंदर जोश आप भी पैदा करो। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रही हूँ, रोज ही कर रही हूँ। बिल्कुल सी यू सून संजीव जी, थैंक यू, एंड हम धन्यवाद, लोग बहुत बहुत उसे धन्यवाद। खुद से जितना हो सकेगा हम लोग अपना वक्त देने की कोशिश करेंगे, कंट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, बाय, एंड रियली गुड लक टू यू। ईश्वर जी आपका साथ दे के आप कामयाब हो, बिल्कुल राठी जी भी बिल्कुल कामयाब हो इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू, बाय बाय। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं लीव कर सकता हूं अब यहां से? ओके हाँ मैं निकाल रही हूं, आप लीव कर दीजिए। ओके राइट, थैंक यू सो मच। ओके आई जस्ट नीड टू शट दिस एज सून एज पॉसिबल सो आई कैन गो ऑन टू गिनी अनेजा एंड स्टार्ट माय टैरो सेशन दैट आई वांट टू डू लाइव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो आई विल सी यू देयर इन अबाउट 10 मिनट्स। बाय एंड टेक केयर, स्प्रेड दिस वीडियो प्लीज।